बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री धाम नवभोम है इन बानी के में, सो ठौर है अखंड बानी ऐसी कहे से, बानी ऐसी कहे से। हौज जोए बाग जानवर सो इन बानी बिच है सब। प्रणाम जी, सुंदर प्राणधार सुंदर साहब जी, कल के चर्चा में हमने श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम पन्ना में जो 10 वर्षों तक सुंदर साथ की दिनचर्या थी, 8वें प्रहर की जो दिनचर्या थी, उसमें से कल की चर्चा में हमने 5वीं, 6वीं, 7वीं प्रहर की बीतक को सुना, और अभी 8वीं प्रहर की भी बीतक की हमने कुछ चौपाइयों को सुना, जिसमें महामति श्री लालदास जी उस वाणी की महिमा बता रहे हैं, जिस वाणी का गायन, जिस वाणी की चर्चा, जिसका चिंतन और जिसके आधार पर चितवनी वहाँ रहने वाले संपूर्ण सुंदर साथ ने 10 वर्ष तक करके दिखाया था। उस ब्रह्मवाणी की महिमा को कल हमने सुना कि ये वह वाणी है जिसको सुनने से हमारी दृष्टि जो स्वप्न की रही है वह जागृत हो जाती है। जिस परम धाम के लीला का ज्ञान अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में भी नहीं था, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में इस ब्रह्मवाणी के द्वारा एक जीव को भी परम धाम की लीला को जानने का अवसर मिलता है। कल की चर्चा में हमने यह भी सुना था कि किस तरह से सृजे उस वाणी के द्वारा, वाणी की चर्चा के द्वारा परम धाम का वर्णन करते हैं, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं। अब आगे श्री लालदास जी कहते हैं, हौज जोए सब बाग जानवर सो इन वाणी बीच है सब। हौज का सर तालाब, जिसका वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर आता है कि उस हौज को सर में जाकर के जोए अर्थात यमुना जी मिलती है, पुखराज पहाड़ से प्रकट होकर के हौज को सर तालाब में जाकर के यमुना जी मिलती है, तो उसका वर्णन है। परम धाम के रंग महल के चारों तरफ जो बाग बगीचे हैं, चाहे वो फूल बाग, नूर बाग, अन्नबन दूब दुलीचा हो, या फिर बट पीपल की चौकी हो, जितने भी वृक्षों की शोभा है, और उन बाग बगीचों में वहाँ के वनों में रहने वाले जानवर हैं, उन सब का वर्णन इस वाणी के अंदर है। सातों घाटों का वर्णन है कि यमुना जी के दोनों तरफ 7 वन हैं, केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी वट, उसके सामने सातों घाटों का वर्णन आता है। माणिक पहाड़, पुखराजी पहाड़, और इन सब के चारों तरफ घेर करके जो छोटे रंग की शोभा है, बड़ी रंग की शोभा है, ये सारा वर्णन वाणी के अंदर हमें मिलता है। कहते हैं, हक हादी रूहे रहत है सो इन वाणी में। इस वाणी के अंदर ज्ञानमय स्वरूप से राज्य भी रहती हैं, श्यामा जी भी रहती हैं, और ब्रह्म सृष्टियां भी रहती है। नित विहार करत है सो इन वाणी से, और इस वाणी के द्वारा ही हमें राज्य श्यामाजी तथा ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा परम धाम में
नित्य जो विहार अर्थात प्रेम की लीला, आनंद की लीला परम धाम के 25 पक्षों में, भिन्न भिन्न पक्षों में, भिन्न भिन्न दिन भ्रमण की जो लीला है, विचरण की लीला है, उसका पता हमें वाणी के द्वारा चलता है। कहते और सिफत कहाँ लो कहूँ, इसके ऊपर मैं वाणी की महिमा को कहाँ तक कहूँ कि इस वाणी के द्वारा ही कहते हैं सो इन वाणी बीच में सब सैया जाननहार। जो भी ब्रह्म सृष्टियों को इस संसार में जो भी ज्ञान मिलता है, परम धाम के विषय में जो भी पता चलता है, वह इस वाणी के द्वारा ही। और आगे कहते हैं इन वाणी की बरकते सब दफे होत बलाए। जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, जितने प्रकार के दुख कष्ट हैं, वे सारे वाणी के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। ये कैसे? वाणी को केवल पाठ पारायण करने से दुख समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, राज्य पर ईमान रख करके अगर हम पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर आए दुख तो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम ऐसा मान करके कि वाणी का पारायण करने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, राज्य का ध्यान न करें, राज्य को वैसे याद न करें, केवल दुख के समय में पारायण पढ़ें, इसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। इन वाणी की बरकते सब दफे होत बला, इसका तात्पर्य क्या है? संसार में सुख और दुख का चक्र तो चलता ही रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आना है। कभी कोई गरीबी के कारण परेशान रहता है तो कभी वही व्यक्ति अमीर बन जाता है। कोई व्यक्ति अमीर है आज तो अगले दिन हो सकता है कि कुछ समय के बाद में वह गरीब बन जाए। तो ये चक्र चलने वाला है। ये संसार द्वैत का है, द्वंद का संसार है। सुख के बाद दुख, जैसे दिन के बाद रात और रात समाप्त होने के बाद दिन का चक्र चलता रहता है, वैसे ही सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। तो वाणी के द्वारा ये सारी बलाएं नष्ट होने का तात्पर्य ये है कि जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसके पास परमात्मा का ज्ञान है, जिसने वाणी को समझा है, जिसने तारतम ज्ञान को समझा है और अध्यात्म को वास्तव में अगर कोई समझता है, तो वह अगर संसार में कोई दुख कष्ट आ भी रहा है तो केवल वह दृष्टा भाव से समझता है, उसको दृष्टा भाव से देखता है। और जो व्यक्ति दृष्टा भाव में स्थित हो जाता है, उसे संसार के सुख और दुख दोनों परेशान नहीं कर सकते। दोनों प्रकार की बलाएं उसे न इस संसार के सुख से वह सुखी होता है, प्रभावित होता है, न इस संसार के दुख से वह प्रभावित होकर दुखी होता है। जैसे आप अगर कोई डरावनी फिल्म देख रहे हैं, भूत वाली कोई पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हॉरर मूवी, तो अगर आपको डर लगता है, ऐसी अवस्था में क्या करते हैं आप? क्या आप स्क्रीन पर से, टीवी पर से अपनी नजरों को हटा लेते हैं? यही करते हैं। अगर आपको डर लगने लगता है तो आप टीवी देखना बंद कर देते हैं, या तो अपनी आंख बंद कर लेते हैं, या फिर अपने ध्यान को दूसरी तरफ लगाते हैं ताकि आपको डर ना लगे। या तो आप किसी से बात करना शुरू कर देते हैं आपके पास में हो। आप अपने डर को हटाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। तो इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि मन एक समय में एक ही स्थान पर हो सकता है, या तो वो स्क्रीन पर घुस करके आपको डरने पर मजबूर कर देगा, या फिर आपने अपने मन को नियंत्रित किया, उस टीवी के पर्दे से हटाया तो डर से आप बच गए। ऐसे ही जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है वह दृष्टा बन करके देख रहा होता है। एक सामान्य मनुष्य डरता कब है, पिक्चर देखते हुए कब डरता है? जब वह अपने आप को उस पिक्चर के अंदर इतना डुबो देता है, उसको लगने लगता है कि जो भी उस फिल्म के, उस मूवी के अंदर के पात्र के साथ घटित हो रहा है वह मैं ही हूं। अगर कोई फिल्म के, चलचित्र के पात्र को कोई डराता है तो आप यहां पर चौंक जाते हैं। अगर वह खुश हो रहा होता है तो आप यहां पर हंसने लगते हैं। अगर वह दुखी हो रहा होता है तो उसको देख करके रोने लगते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए, एक बार जिस चलचित्र को देख करके आप रो रहे होते हैं, उस चलचित्र को जिसने रोल किया है,
जो उसका एक्टर है अथवा जो उसका डायरेक्टर है, वो जब अपने चलचित्र को देखेगा तो वह चाहे कैसा भी चलचित्र हो देख करके हंसेगा, वो उसको देख करके नहीं रोएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सब तो नाटक है, मैंने ही नाटक किया है अथवा मैंने ही नाटक बनाया है। तो ऐसी अवस्था में चलचित्र के सुखी होने वाले, दुखी होने वाले, डराने वाले ऐसे दृश्यों से वह कभी भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसको तो पता है कि ये नाटक है, मैंने ही नाटक किया है। जो डरावनी फिल्मों में काम करने वाले कलाकार होते हैं वो अपनी फिल्मों को देख करके हंसते हैं कि मैंने कैसी एक्टिंग की है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्टिंग है। वैसे ही जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है उसे पता है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित तो हो रहा है वह तो नाटक है, हम उस नाटक के पात्र भर हैं, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोल मिले हैं, और इस संसार में जिसको बहुत अधिक दुख आता है, बहुत अधिक कष्ट आता है, तो उसे अपने ऊपर आ रहे दुखों से, कष्टों से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी भी चलचित्र में सबसे कठिन रोल किसको दिया जाता है? जो सबसे अच्छा कलाकार होता है उसी को तो सबसे कठिन रोल मिलता है ना। वैसे ही इस संसार में अगर आप, आपके ऊपर बार बार कष्ट आ रहे हैं, आप राज्य के ऊपर विश्वास रखिए, ये विश्वास रखिए कि ये संसार नाटक मात्र है और इस नाटक में राज्य ने हमें ऐसा रोल दिया है क्योंकि वही डायरेक्टर है, तो उन्होंने हमें ऐसा रोल दिया है क्योंकि इसको और कोई अदा नहीं कर सकता, इस अभिनय को और कोई मेरे से अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है, ये जो इन बाने की बरकते सब दफे होत बला ऐसा लिखा है, उसका कारण यह है कि वाणी को पढ़ने के बाद व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी बन करके, ब्रह्मज्ञान के रास्ते पर चल करके उसके ऊपर जो दुख कष्ट आ रहे हैं उसको दृष्टा भाव से देखता है, तो बला भी उसको बला नहीं लगती, दुख कष्ट उसको दुख कष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। और आगे कहते हैं, सदा शैतान कांपत मिनी पैठ न सके ताए, और जिसके पास परम धाम के ज्ञान का उजाला है उसके अंदर अज्ञानता रूपी शैतान, दज्जाल रूपी शैतान, कलियुग रूपी शैतान कैसे घर कर सकता है। और इस वाणी के द्वारा ही एह जिकर जुबान सो करत है सब मोमिन, ब्रह्म मुनि क्या करते हैं, ब्रह्म सृष्टि की वाणी के जिक्र के द्वारा ही, अपनी जुबा से वाणी के शब्दों के द्वारा ही वह राज्य की जिक्र किया करते हैं। और श्री जी उस समय क्या कर रहे होते हैं, श्रीराज पौढ़ी सुनत है नींद न आवे नैनन, श्री जी के नैनों में नींद नहीं आ रही है, श्री जी तो उस वाणी को जो सुंदर साथ जिस वाणी का गायन कर रहे हैं उसको सुनते हैं। कछु आंख मिली के ना मिली फिर सुनत है कान, कई बार क्या होता है कभी कभी झपकी भी आ सकती है लेकिन आंख उनकी पूरी तरह से बंद नहीं होती है, अगर कभी कोई झपकी आ भी रही होती है तो श्री जी उसको एक तरफ परे हटा करके उस वाणी को सुनते हैं। और कभी कोई सुंदर साथ चौपाई कहने में एक शब्द आगे पीछे कर देता है तब भी श्री जी उनको कहते हैं कि ये आगे पीछे क्यों कहा, क्यों गए हरफ भूल, आप शब्दों को क्यों भूल गए, आप चौपाइयों को क्यों भूल गए। अब सुंदर सात चुपचाप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और आगे से सुधार करते हैं। और ऐसे वाणी का गायन करते करते रात के भी, अंतिम प्रहर के भी 4 घड़ी बीत जाते हैं। अब रात नहीं कह सकते, अब तो सुबह का 4:30 बजे का समय हो गया है। और ऐसे समय में सारे सुंदर साथ जो सो रहे हैं वह भी उठने का विचार करते हैं, जो जगे हुए हैं वो भी उठने का विचार करते हैं, जो सो रहे हैं वह नींद से उठने वाले हैं और जो जगे हुए हैं वो नित्य क्रिया के लिए अपने अपने स्थान से उठने का विचार करते हैं। और ऐसे समय में मुरलीधर जी एक सुंदर साथ हैं जो चर्चा में सबसे आगे बैठा करते थे, वह स्वरूप बोलते हैं सुबह का, स्वरूप बोलने के बाद सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं और आगे सभी लोग अपने अपने नित्य क्रिया में लग जाते हैं। और ऐसे समय में भी कहते हैं कोई नींद करत है कोई सुनने चाहे विरत, सुबह के समय में क्योंकि सुबह की नींद सबको प्यारी होती है तो कुछ लोग तो अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं लेकिन कई सुंदर साथ वृत्त सुनने के लिए, मुरलीधर जी से वृत्त सुनने के लिए आ जाते हैं। और कई बार
लालदास जी स्वयं भी वृत कहते हैं, सुबह मंगल आरती की जाती है तो मंगल आरती से पहले लालदास जी कई बार वृत कहते हैं, कभी मुरलीधर जी, और इस मंगल आरती के समय में निष्ठाबद्ध रूप से सुंदर सात आते हैं और सब मिलकर के आरती करते हैं। जो सुंदर सात वृत के समय में सो रहे होते हैं वह भी मंगल आरती का समय जान करके, क्योंकि इसमें दो तरह के लोग हैं, एक सुंदर सात ऐसे हैं जो आरती को शरीयत समझ करके, कर्मकांड समझ करके, क्योंकि जो शरीयत को निभाता है वह उसके अंदर ऐसी कट्टरता आ जाती है कि हाँ सेवा पूजा के समय में तो उठना अनिवार्य है, आरती के लिए उठना अनिवार्य है, तो उस भाव से आते हैं। और कुछ सुंदर सात जो पुष्टि के अनुयायी हैं, जो सोच समझ करके सारे कार्य करते हैं, वह तो अपने पिया को, अपने राज्य को रिझाने के लिए आते हैं और मंगल आरती में शामिल होते हैं। इस तरह से वृत का पाठ करते हैं, उसके बाद में मंगल आरती होती है और मंगल आरती के बाद में श्री जी अपनी नित्य क्रिया के लिए आगे चले जाते हैं सुंदर सात के घर में। अब ये जो सेवा है, वृत कहने की जो सेवा है, वह सबसे पहले हंस भाई करते थे, उसके बाद में जयंती जी ने ये सेवा ली, उसके बाद में लालदास जी के पास ये सेवा गई, क्योंकि बारी बारी से सब सुंदर सात राज जी को रिझाते हैं। उनके बाद में वृंदावन जी ने कुछ दिन तक ये सेवा की वृत को कहने की, सुबह सुबह उठ करके परम धाम की वृत कहने की। श्री लालदास जी कहते हैं, अज्ञा रही जोलो रही दिल बड़ो चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। 11वीं सदी जब तक चल रही थी तब तक तो दिल में उमंग धारण करके, जब तक 5वें दिन की लीला चल रही थी, उमंग के साथ में सब सुंदर सात चित्तनी करते हैं, सभी सुंदर सात परम धाम के वृत्त का गायन करते हैं। और वृत्त का गायन भी ऐसे नहीं, देखिए शरीयत तरीकत तथा हकीकत मार्फत में फर्क क्या है, एक ही कार्य को, एक ही क्रिया को हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, शरीयत तरीकत और हकीकत के रूप में। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, सुबह भोग लगाते हैं तो सुबह के भोग में हम क्या पाठ करते हैं, तेजी भोम की जो पड़साल फौर बड़े दरवाजे विशाल। शाम को भोग लगाते हैं तो विभिन्न प्रकार के भोग हैं, आवत आज सखी मनमोहन, या ऐसे बहुत सारे भोग हैं। तो हम जब भोग का गायन कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, शरीयत तरीकत और हकीकत का, मारिफत तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो जब आप तीजी भोग की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल इसका गायन कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान किस में है, चौपाई तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान है कि आज हमने जो भोग लगाया है, क्या भोग लगाया उस पर ध्यान है, और इसके बाद क्या करना है उस पर ध्यान है। भोग लगाने के बाद में आप आचमन कराते हैं कि आचमन कीजिए कृपा निधान, सुंदर आचमन कीजिए परम निधान, और आपका ध्यान किसमें कि पानी चढ़ाना है और पानी को एक लोटे में से दूसरे लोटे में डालना है, आपका ध्यान उसमें है, भावलीनता भी नहीं है आपकी। तो ये है शरीयत, आप केवल कर्मकांड का पालन कर रहे हैं, आपका ध्यान राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से जब आप आरती करते हैं, शरीयत की मैं बात बता रहा हूं, आरती करते हुए आपका ध्यान इसमें रहता है कि अगर आप समूह में आरती कर रहे हैं तो आपका ध्यान रहता है कि जो लय है, जो रिदम है, उस रिदम के साथ में, उस लय के साथ में आपको नीचे झुकना है, नीचे झुक करके 3 बार या 5 बार घुमाना है, आप गिन रहे होते हैं कि सब लोग कितनी बार आरती घुमा रहे हैं और कितनी बार आरती घुमाने के बाद में आपको उठना है, उठ करके आपको कितनी बार आरती घुमानी है। अगर आपका ध्यान इस तरह का है तो ये शरीयत है। तरीकत क्या है कि भोग लगाते हुए, मैं दोनों का उदाहरण दूंगा, आरती और भोग का, भोग लगाते हुए जब आपने भोग रखा सामने, उसके बाद आप जो चौपाई तीजी भोग की पड़साल का गायन कर रहे हैं, तो आप ये भाव रखें, अभी आपकी सुरता नहीं पहुंच रही है, आप ये भाव ले रहे हैं
कि परम धाम में तीजी भौमुखी पड़साल में सब सुंदर साथ विराजमान है, राज्य विराजमान है, और उस स्वरूप को मैं भोग लगाने जा रहा हूं अथवा मैं भोग लगाने जा रही हूं। आप आत्मभाव से बैठे, अंगना भाव से बैठे और अपने प्रियतम को भोग लगाने का एक भाव लें तो यह तरीकत है, ये उपासना है। इसी तरह से जब आप आरती कर रहे हैं तो आरती करते समय ये भाव हो कि जिस वाणी की आरती कर रहे हैं वह राज्य का ही वाणमय स्वरूप है, अथवा आप ये मानकर के आरती उतारें कि सामने जिस सिंहासन पर राज्य को पधराया गया है वहां पर साक्षात राज्य विराजमान है, ये भाव लेकर के अगर आप आरती कर रहे हैं तो वह तरीकत है, वह उपासना है। तो शरीयत और तरीकत के ये उदाहरण हो गए। अब हकीकत का उदाहरण क्या कि अगर आप भोग लगा रहे हैं, आप चाहे व्यंजन रखें या ना रखें, आप किसी तरह के खाद्य पदार्थ रखें या ना रखें, लेकिन आप ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठ करके, जैसे हमारी अवस्था ऐसी हो, हम कहते हैं ना कि खाना दीदार इनका या सो जीवते लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिनसे मिटत प्यास। तो ऐसी अवस्था बने कि ध्यान के द्वारा, ध्यान की अवस्था में आप राज्य को रिझा रहे हो अपने प्रेम रूपी आहार से। जैसे इंद्रावती जी कहती हैं कि राज्य को मैंने अपने हृदय रूपी पिंजरे में बंद कर लिया है और अपने मैं उनको प्रेम रूपी अंगूर खिला रही हूं। तो ऐसी अवस्था जब बन जाए तो वह हकीकत की अवस्था है। आरती की जब बात करते हैं, शाम की आरती में एक चौपाई आती है कि तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम घृत लवलाय, शोभा लखी श्री राज की आरती करो चितलाय। जब हमने इस तन को ही दीपक बना लिया है, मन रूपी ज्योति को प्रज्वलित कर लिया है, शोभा लखी श्री राज की, लखने का मतलब है वहां पर श्री राज जी के स्वरूप को पहचानना, उनका दर्शन करना, उनको देखना, तो उनको देख करके आप आत्मभाव से आरती करें, अपनी आत्मा से, शरीर से इस आरती को हिलाने की आवश्यकता नहीं है। भाव तो बाद की बात है, उपासना तो उसके बाद की बात है, और ये जो हकीकत की अवस्था है, तन को दीपक मन को ज्योति बनाने की, ये अवस्था हकीकत की है। लेकिन मारिफत की अवस्था का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। मारिफत में तो किसकी आरती करनी है, किसको भोग लगाना है, जब सब एक ही स्वरूप है, जब राज्य के अलावा और कोई है ही नहीं, लेकिन इसको केवल अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे ही व्यक्त किया, व्यक्त करने का मतलब यह है कि बोलने वाला एक है, जिसका वर्णन हो रहा है वह एक है, और जिसके सामने वर्णन किया जा रहा है वह एक है, तो तीन अलग अलग हो गए, तो वह मारिफत नहीं है। फिर जैसे ही व्यक्त हुआ, व्यक्त होते ही वह हकीकत बन जाता है। तो इसलिए मारिफत की अवस्था का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, ये शरीयत तरीकत और हकीकत हो गए। तो इसी तरह से जो सुंदर साथ आरती करने के लिए आते हैं, जो सुंदर साथ व्रत पढ़ने के लिए आते हैं, वे भी अलग अलग रूप में आते हैं। कोई शरीयत मान करके आता है कि हमें जाना ही पड़ेगा, कोई तरीकत के रूप में भाव लेकर के आता है, और कोई सुंदर साथ तो उनको वहां पर शामिल होने की जरूरत नहीं है, उनको आरती में आरती पकड़ करके घुमाने की भी जरूरत नहीं, उनकी आरती तो हमेशा चल रही। जैसे जब ब्रह्म मुनि दिल्ली गए थे तो मौलवियों ने पूछा था कि अगर आप इस्लाम के अनुयायी हैं तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा कि हमारा तो 24 घंटे नमाज चलता रहता है, हमारा ध्यान तो परमात्मा से टूटता ही नहीं है, इसलिए हम 24 घंटे उसमें मग्न रहते हैं। ऐसी अवस्था भी उन ब्रह्म मुनियों की रहती है। अब इस तरह से सुबह परम धाम की वृत का गायन होता है, उठ बैठे से ज्या पर कानों सुने विख्यात, श्री जी अब अपनी सैया पर बैठे हुए हैं, और जब सर्दी का समय है तो कहते हैं पीवत कहवा मगाए के विरत सुनत जात है कान। श्री जी सुबह काढ़ा पीते हैं सर्दी के समय में कहवा, और फिर सुंदर सा जिस वृत का गायन कर रहे हैं, जिस वृत का वर्णन कर रहे हैं, उसको अपने कानों से सुनते हैं। अब कहते हैं धाम की गिरद कह के फेर अंदर बैठे। वृत में कैसे गायन होता है कि परम धाम में रंगमहल के चारों तरफ की जो परिक्रमा है,
पहले उन परिक्रमाओं का वर्णन होता है। पहले रंगमहल के बिल्कुल पास की जो परिक्रमा है उसका वर्णन होता है, फिर उसके बाद उसके बाहरी घेरे का, बाहर से अंदर की तरफ सारी लीलाओं का, सारी लीला स्थानों का वर्णन करके, सभी पक्षों का वर्णन करके फिर अंदर प्रवेश करते हैं चारों चौक उलंग के। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करने के बाद 28 स्तंभ के चौक को पार करके फिर चार चौरस हवेली को, यहाँ चार चौक का मतलब क्या है कि जो चार चौरस हवेली है वह भी तो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं, तो चारों चौरस हवेली को पार करके पांचवी गोल हवेली में पहुंचते हैं। फिर पांचवी गोल हवेली में भी 64 स्तंभ है, 64 स्तंभ के तीन घेरे को पार करके, तीन हारों को पार करके फिर वहां मध्य में सिंहासन विराजमान है, उस सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। इस तरह से सभी का वर्णन करते हैं। फिर पहली भूम के बाद, पहली भूम का इस तरह से वर्णन करने के बाद दूसरी भूम का वर्णन करते हैं कि दूसरी भूम में किस तरह से भूल भुलावनी है, भूल भुलावनी में कैसे लीला होती है। उसके बाद तीसरी भूम का वर्णन होता है, क्योंकि परम धाम की अष्टप्रहर की वृत्त में सबसे अधिक समय अगर लीला रूप में किसी एक स्थान पर ब्रह्म सृष्टि और राज्य व्यतीत करते हैं तो वह है तीसरी भूम की पड़साल, रंगपुर वाले मंदिर को अगर हटा दिया जाए तो, क्योंकि रंगप्रवाली मंदिर में शयन की लीला होती है। तीजी भूम की पड़साल में भी वैसे कुछ समय के लिए राज्य पढ़ते हैं लेकिन वहां पर अन्य बहुत सारी लीलाएं होती है, तो तीजी भूम की पड़साल का वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद चौथी भूम, चौथी भूम में जो चौथी चौरस हवेली है जहाँ पर नृत्य होता है, जिसको नीरथ की हवेली कहा जाता है, उसका वर्णन करते हैं। फिर पांचवी भूम, जिस पांचवी भूम में रंगप्रवाली मंदिर है जहां शयन की लीला होती है। उसके बाद छठी भूम में सुखपाल तथा तख्तरवा, जिस तख्तरवा तथा सुखपाल में बैठ करके सुंदर सात ब्रह्म सृष्टियां राज्य के साथ में परम धाम के विभिन्न पक्षों में विचरण करती हैं। फिर सातवीं भूम में 2 ताली के हिंडोले हैं, 8वीं भूम में 4 ताली के हिंडोले और 9वीं भूम में दूरदर्शिका, जहां से चारों दिशाओं में अलग अलग दिन अलग अलग पक्षों में चारों दिशाओं से परम धाम के 25 पक्षों को दूर दूर तक राज्य ब्रह्म सृष्टियों को दर्शन कराते हैं। इस तरह से 9 भूम का दर्शन करा करके, वर्णन करा करके फिर 9 भूम में, 9वीं भूम में जाकर के भी किस तरह से राज्य अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पक्षों का वर्णन करते हैं, उन सभी पक्षों का वर्णन करते हैं। और फिर इस तरह से वापस तीसरी भूम में आए, तीसरी भूम का वर्णन किया, क्योंकि वृत्त में क्या है कि परम धाम की लीला से लेकर के पुनः परम धाम तक की लीला का वर्णन है, अर्थात परम धाम की सारी लीलाओं का वर्णन करके फिर किस तरह से यहाँ इस संसार में आने की भूमिका बधी और कैसे पुनः परम धाम जाना है, उसका वर्णन वृत्त में है। तो कहते हैं कि तीसरी भूम में आए और तीसरी भूम में राज्य ने आज के दिन, आज के दिन का मतलब क्या है, परम धाम में तो सोई घड़ी सोई पल है ना, तो परम धाम में आज के दिन राज्य ने हृदय में लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाऊं। कहते हैं श्री राजे आज चित धरे खेल दिखाऊं पकड़ हाथ में, ब्रह्म सृष्टियों का हाथ पकड़ करके, मतलब अपने हुक्म के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाऊं। तो खेल दिखाने के लिए रद बदल हुआ, इश्क रब्द हुआ, फिर इश्क रब्द के बाद कहते हैं ना, पहले लई हके दिल में पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रुहन में ए यौकर हुआ जहूर। तो राज्य के मन में जो आया, फिर अक्षर के मन में, साथ साथ में ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी सब के मन में आया और फिर राज्य ने अक्षर को हुक्म दिया, अक्षर ने ये खेल बनाया, फिर ब्रह्म सृष्टियों पर हुक्म हुआ, ब्रह्म सृष्टि अर्थात हम सब कहते हैं, फिर रूहों पर हुक्म हुआ, ब्रज में भय एक ठोर सयन, हम ब्रज मंडल में एक ही जगह पर सभी ब्रह्म सृष्टियां आई, 11 वर्ष 52 दिन तक वहां लीला की, उसके बाद रास में पहुंचे वृंदावन में, वहां 1 रात रहे, फिर यहां पर जो तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया उसमें तीसरे दिन मोहम्मद साहब ने आकर के लीला की, 63 वर्ष तक वहां पर लीला हुई। उसके बाद साल 990 और 9 महीने बीतने के बाद 10वीं सदी की शुरुआत में श्यामा जी संसार में आई देवचंद्र जी के रूप में, उन्होंने लगभग 74 वर्ष लीला की और
उन्होंने 313 आत्माओं को, 313 ब्रह्म सृष्टियों को जगाया और उसके बाद में पांचवें दिन की लीला में इस तरह से जागने की लीला हो रही है। कहते ए संक्षेप व्रत का एक एक कहिया सुकन, ये तो व्रत का संक्षेप में वर्णन था। हर लीला को व्रत में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है और उसको भी संक्षेप में एक एक शब्दों में वर्णन करके सुनाया। कहते हैं विस्तार इत बहुत है, अगर इस व्रत का विस्तार करने लग जाए तो बहुत है। परम धाम के एक एक पक्षों का वर्णन करें तब भी एक दिन चला जाता है। फिर ब्रज लीला के वर्णन में भी लंबा समय लगता है, रास लीला के वर्णन में, मोहम्मद साहब की लीला में, देवचंद्र जी की लीला में। देखिए व्रत को ही विस्तार में इतनी बड़ी वित्तक में सम्मिलित किया गया है ना, क्योंकि इसमें इष्कब्द का भी वर्णन है, ब्रज की लीला का भी वर्णन है, रासलीला का, सभी लीलाओं का इसमें वर्णन है और उसको संक्षेप में यहाँ पर श्री लाल दास जी ने वर्णन किया। कहते हैं ए वृत्त श्री राज सुनत है तब होत अरुण उदय, तो इस तरह से वृत्त सुनते सुनते सूर्योदय हो जाता है और तब, क्योंकि अगले दिन फिर अगले प्रहर की लीला वैसे ही शुरू होती है जैसे पहले प्रहर में, पहले प्रहर की लीला का वर्णन था कि जिस शेज्या पर श्री जी विराजमान है, किस तरह से पचरंगी वह बिस्तर है, कैसे वहां पर नूर के चार पाए, उस चारपाई के, उस पलंग के चारों तरफ जड़े हुए हैं, कैसे ऊपर चंद्रवा तना हुआ है, कैसे फुम्मक जड़े हुए हैं, किस तरह से छबिलदास जी सुबह सुबह श्री जी को जल पिलाते हैं, किस तरह से बिहारी जी अंगीठी भर करके ले आते हैं, ये सारा वर्णन। अब ये सारी लीला अगले दिन फिर से शुरू होती है। तो ये अष्ट प्रहर की लीला का वर्णन अभी हमने सुना। कहते हैं श्री महामति कहे ए मोमिनो ए आठों प्रहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देते हैं सो कहूं सोभाहक। अब आगे फिर से स्वरूप का वर्णन होगा, स्वरूप वैसे पहले वृत्त का वर्णन हो चुका है और ये लीला सारी चलती जा रही है, अगले आगे 10 वर्षों तक ये लीला चलती है और ऐसे लीला चलते चलते, क्योंकि अब बीतक भी अंतिम समय तक आ गया है, आगे दो प्रकरण है, इन दो प्रकरणों के अंदर उस समय में व्यवस्था कैसी चलती थी उसका वर्णन है। लेकिन इससे पहले राज्य सुंदर साथ को स्वरूप दे रहे हैं। स्वरूप देने का क्या तात्पर्य है कि ऐसी लीला चलते चलते 1740 से लेकर के पन्ना में जब तक रहे, 1751 तक जब तक पांचवें दिन की लीला चल रही तब तक ये लीला है। आठों प्रहर की लीला का वर्णन श्री लालदास जी ने किया और अब कहते हैं 1751 में सावन के तृतीया को, जिस दिन हमने अभी तक शुरू किया उससे दो दिन पहले, श्री जी समाधिस्थ हुए थे। श्री जी ने समाधि ली अर्थात ध्यान की गहन अवस्था में पहुंचे, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ा, ध्यान की गहन अवस्था समाधि में जब पहुंचे, सुंदर साथ में देखा कि श्री जी तो बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सुंदर साथ ने सोचा कि शरीर छोड़ दिया इन्होंने तो अब उनकी अवस्था ऐसी थी, उनको लगा कि पिया राज्य हमें छोड़कर के गए हैं, तो उनमें से बहुत सारे सुंदर साथ ने तुरंत शरीर छोड़ दिया, बहुत सारे सुंदर साथ ने भोजन भी ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनका ध्यान ही उस चीज में नहीं है। उन्होंने ये सोच करके भी नहीं छोड़ा कि हमें खाना नहीं खाना है, खाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, अपने आप छूट गया, छोड़ा नहीं, ये रहने की अवस्था है। अगर आप छोड़ रहे हैं वह करने की अवस्था है, अगर आप छोड़ने की बात करते हैं वह कथने की अवस्था है। तो तृतीया के दिन ऐसा हुआ, छत्रसाल जी मऊसानिया में है, वहां से उन्होंने सुना, उनको अंतः प्रेरणा हुई कि पन्ना में कुछ ऐसा घटित हुआ है और क्योंकि सावन का महीना है, घनघोर वर्षा हो रही है, केन नदी है और केन नदी की चौड़ाई भी काफी, आप पन्ना गए होंगे खजुराहो की तरफ से तो आप देख सकते हैं, और सावन के महीने में जब बाढ़ आती है तो उसकी फिर उग्रता और बढ़ जाती है। लेकिन अब जिसको विरह है, जिसको मिलने की तड़प है प्रियतम से, उसको फिर कोई बाधा नहीं रोक सकती। किसी कवि ने कहा कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। तो जो पहले ही जो ब्रह्ममुनि, जिन ब्रह्ममुनियों ने जीते जी अपने आप को मार दिया है,
कहते ना, जीवते मारी आपको शब्द पुकारत हक, जो न मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। फिर ऐसे ब्रह्म सृष्टियों को मृत्यु से भय तो लगता नहीं। उन्होंने अपने घोड़े को आदेश दिया कि चलो आगे, घोड़ा कूदा दिया। अब घोड़ा कूद गया, नदी में प्रवेश किया। ऐसा लगा कि घोड़ा लड़खड़ा रहा है, नदी का प्रवाह तीव्र हो रहा है, लेकिन किसी तरह से नदी को पार करके छत्रसाल जी पन्ना पहुंचे। जब पन्ना पहुंचे तो देखा उन्होंने कि चारों तरफ तो सुंदर सात के शरीर पड़े हुए हैं, जिन ब्रह्मणियों ने तन छोड़ा है उनका उनके शरीर वहां पर है। अब उनको लगा कि ये ऐसा कोई अनिष्ट हुआ है। पास में गए श्रीजी साहब को प्रणाम करने के लिए, तो श्रीजी आंख ही नहीं खोल रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए समाधि की अवस्था में। तो उनको लगा कि अब जब श्रीजी ही नहीं रहे, हमारे प्राणनाथ प्राण के आधार ही नहीं रहे, तो हमें जी करके क्या करना है। तो उन्होंने कहा, अपनी तलवार निकाली और कहते हैं कि जिस विजय तलवार से मैंने अपने शत्रुओं को परास्त किया है, आज यही मेरे प्राण ले लेगी। और ऐसा कह करके अपने शरीर का अंत करने वाले थे। तुरंत श्री जी ने ध्यान तोड़ा और अपने ध्यान को स्वयं भंग करके छत्रसाल जी के हाथ को पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहते हैं कि छत्ता, क्या तुमने मेरी यही पहचान की है? क्या तुमने इस तन को ही प्राणनाथ समझा है? मैं तुम्हें छोड़कर के कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सुंदर साथ को छोड़कर के कहीं नहीं जा रहा हूं, अगर तुम्हें मुझे देखना है, क्योंकि आज के बाद अब मेरे द्वारा जागने की लीला नहीं होगी। आज के बाद अब जागने का सारा उत्तरदायित्व तो ब्रह्म सृष्टि का है। अब स्वरूप साथ को देते है, अब सुंदर साथ को वह शोभा दे दी और कहा कि आज के बाद ब्रह्म सृष्टियां ही उनके द्वारा ही जागनी होगी। हम कहते ना छठा दिन मोमिनों का जागनी अभियान करने का हम भजन गाते हैं। वाणी में कहा, अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। तो ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में उन्होंने अपने स्वरूप को दे दिया, जिसको कहा अब स्वरूप साथ को देते है, सो कहूं शोभा हक। अब आगे वर्णन करेंगे। तो छत्रसाल जी को श्रीजी ने कहा, कहते हैं साथ सौंपया श्रीराज को, जो सुंदर साथ थे उनके उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेदारी श्री जी ने मूल स्वरूप श्रीराज जी को सौंपा और जाहिर में श्री महाराज, कहते हैं साथ सौंपे श्रीराज को जाहिर में श्री महाराज, अब हम धाम चलते हैं, तुम रहो सावचेत। आज कहते हैं कि अब मेरा मन इस संसार में नहीं लग रहा है। कहते हैं अब हम रहियो न जावही, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत अगिन। उनकी अवस्था कैसी हो गई, क्योंकि देखिए राज जी तो उस तन में विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं, लेकिन श्री इंद्रावती जी की आत्मा, जिनको महामती जी की शोभा मिली है, अब एक अवस्था में पहुंचने के बाद में, क्योंकि अब उन्होंने संसार के सारे उत्तरदायित्व को भी पूरा किया है अपने तरफ से, तो उस अवस्था में पहुंचने के बाद अब मारिफत की अवस्था से नीचे उतरने का मन ही नहीं करता। अब उसमें वो डूबे रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आदेश दिया छत्रसाल जी को कि अगर मुझे देखना है तो सुंदर साथ में देखो, मैं सुंदर साथ के हृदय में विराजमान हूं, मुझे देखना है तो वाणी में देखो। तो ऐसा आदेश दिया श्री जी ने और फिर कहा कि अब मैं समाधि में, अब मैं ध्यान की गहन अवस्था में जाने वाला हूं, तो कोई भी अब मुझे परेशान ना करे। इसलिए पन्ना धाम में जहां गुम्मट जी है, गुम्मट जी में जो तहखाना है, तलहटी है, वहां पर झूले पर श्रीजी साहब के तन को विराजमान कराया गया और उस झूले पर श्रीजी साहब आज भी विराजमान है समाधि की अवस्था में। श्रीजी समाधिस्थ हुए उसके बाद भी एक वर्ष तक प्रत्यक्ष रूप से आवेश लीला होती रही। जब भी आवश्यकता पड़ती थी महाराजा छत्रसाल जी जाते थे, श्रीजी साहब से दिशा निर्देश लेते थे, और भी ब्रह्ममुनि जो जागने की सेवा कर रहे थे उनको श्रीजी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में आदेश प्राप्त होता रहा था। एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग महिला सुंदर साथ थी, उन्होंने उनको अपने परिवार में अपनी बेटी का या पोती का किसी का विवाह कराना था। तो श्रीजी के पास गई कि श्रीजी साहब आप कृपा कर दीजिए, धन की वित्त से संबंधित कृपा की आवश्यकता थी, आर्थिक सेवा की। श्रीजी के पास जाकर के उन्होंने ऐसी विनती की, अब ये तो बहुत छोटी सी बात थी,
कुछ धन चाहिए था वो किसी और से भी मांग सकती थी, लेकिन अब श्री जी ने सोचा कि ऐसे तो और लोग भी मुझे परेशान कर सकते हैं, और लोग भी चमत्कार की आशा में वहां पर आ सकते हैं। इसलिए श्री जी ने छत्रसाल जी को आदेश दिया कि कोई यहाँ पर न आने पाए, कोई प्रवेश न करने पाए। इसलिए उस स्थान पर जाने का जो गुप्त दरवाजा था, उस गुप्त दरवाजे को बंद कर दिया गया। इससे पहले भी इन 10-11 वर्षों की लीला में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, जिनमें से एक प्रमुख घटना है जिसका वर्णन अभी हमने नहीं सुना। एक सुंदर साथ थे लक्ष्मीदास जी। लक्ष्मीदास जी के मन में एक भाव था, कोई विकार नहीं था, लेकिन उनके मन में यह भाव था कि श्रीजी साहब का जो मंदिर है पन्ना धाम में, वह सोने का होना चाहिए। उनके पास एक पारस मणि भी थी और उन्होंने लोहे से सोना बनाने का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन श्रीजी साहब तो साक्षात अक्षराती थे, वो सब जानते हैं, वो मन के भाव को भी देख रहे हैं। तो श्रीजी ने लक्ष्मीदास जी को एक दिन कहा कि चलिए घूमने के लिए चलते हैं। घूमने के लिए ले गए। पीछे बैजूराज मंदिर के पीछे जहाँ किलकिला नदी एक खाई जैसी जगह है जहाँ पर गिरती है, उस तरफ लेकर के गए। फिर श्रीजी साहब ने बातों बातों में पूछ लिया कि हमने सुना है कि आपके पास पारसमणि है, आप लोहे से सोना बनाने का कार्य कर रहे हैं, अब राज्य से क्या छुपा सकते हैं। लक्ष्मीदास जी ने कहा कि हाँ श्रीजी साहब मेरे पास है। श्रीजी ने कहा दिखाओ तो कैसा है। ले लिया और लेने के बाद में उस गहरी खाई में फेंक दिया। अब लक्ष्मीदास जी को एक बार के लिए तो दुख हुआ कि श्रीजी साहब ने ऐसा क्यों किया, मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी था, मैं तो इनका ही मंदिर बनाना चाहता था। थोड़ी देर के लिए सही रोष आया मन में, लेकिन फिर अपने आप को समझाया कि राज्य का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन श्रीजी साहब उनके भाव को समझ गए तो श्रीजी ने कहा कि लक्ष्मीदास जी आप जाकर के देखिए उस जगह पर जहां पर हमने पारसमणि फेंका था, जाकर के देखिए, ले आइए। लक्ष्मीदास जी जाते हैं वहां पर तो देखते हैं कि एक ही अनेकों पारसमणि से वह खाई भरी हुई है। तो श्रीजी ने उनको समझाया, प्रबोधित किया कि लक्ष्मीदास जी अगर हम चाहते तो हम भी ये कार्य करा सकते थे, लेकिन भविष्य में जब यहां लोग आएंगे तो सोने के मंदिर को देखने के लिए आएंगे, ईमान लेकर के नहीं आएंगे। पन्ना धाम में एक पन्ना धाम की मैं महिमा के साथ में एक वास्तविकता आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं कि राज्य ने पन्ना धाम की किसी भी सुंदर साथ को बहुत अधिक अमीर होने की शोभा नहीं दी। जो भी ब्रह्म सृष्टि है वहां सिर्फ उतना ही मिलता है जितने से किसी का गुजारा हो सकता है, बशर्ते वह ब्रह्म सृष्टि हो। किसी भी ब्रह्म मुनि को भौतिक सुख सुविधा संपन्न राज्य ने किया ही नहीं। अगर किसी के पास सांसारिक सुविधा आ भी जाती है तो उसको छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह भूमि ही ऐसी है, वह जागृत ब्रह्ममुनियों की भूमि है। वह उस भूमि का वाइब्रेशन, वहां की तरंगे ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान में वहां बैठना चाहे तो कुछ पल के अंदर ही, वह कुछ मिनटों के अंदर ही ध्यान की ऊंची अवस्था में पहुंच सकता है। अगर किसी अन्य स्थान में उसको मन एकाग्र करने के लिए कम से कम आधा घंटा एक घंटा लगता है, तो पन्ना धाम की भूमि में बैठने के बाद 5 मिनट से भी कम समय में वह अपने मन को एकाग्र कर सकता है। ये वहां की वास्तविकता है। तो पन्ना धाम में आज भी जो आप जाते हैं ना तो चने का प्रसाद मिलता है, रात को सबको बांटा जाता है, पता होगा शायद। इसका कारण यह था कि पन्ना धाम में किसी को भी सांसारिक भौतिक सुख सुविधा संपन्न बनाया नहीं। तो हो सकता है कि कोई दिन भर का भूखा हो तो रात्रि के समय में जो चने का भोग मिलता है, भुना हुआ चना, इससे उसका गुजारा हो सके, इसलिए वहां पर चने का प्रसाद बांटा जाता था कि कोई भूखा भी ना रहे लेकिन किसी को वो घी घने वाली अवस्था भी ना हो। मुट्ठी भर चने से गुजारा कराया गया और सुंदर सात को ब्रह्म मुनियों को ऐसे परखा गया। आज समाज में, भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर प्रतिदिन लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आप स्वर्ण मंदिर जाएंगे, लोग वहां, आप क्या सोचते हैं भक्ति भाव से जाते होंगे? भक्ति भाव से तो कुछ लोग ही जाते हैं जिनका गुरु ग्रंथ साहिब पर आस्था है, जिनका उन पर विश्वास है, जिनकी उन पर आस्था है। कुछ सिख समुदाय के लोग वहां पर जाते हैं,
आस्था के कारण बाकी सब लोग केवल फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं और जिसकी उन्हें अनुमति भी नहीं मिलती है। कुछ लोग केवल सोने के मंदिर को देखने के लिए जाते हैं। सोचे कि पन्ना धाम अगर सोने का बना दिया गया होता तो लोग वहां दर्शन करने के लिए नहीं जाते और फिर अलग से उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड बैठाने पड़ते, सेना वहां पर बिठाई जाती और इतने 400 लगभग 350 वर्षों में लोग वहां पर ऐसे आते कि सोने की एक एक ईंट उठा के ले जाने के का प्रयास करते। चोर लुटेरों का भय होता सो अलग। इसलिए श्री जी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि जिनको ईमान हो और वह भी ऐसी जगह पर है पन्ना धाम कि जिसके अंदर बहुत अधिक आस्था है वही वहां पर पहुंच सकता है, बिल्कुल मध्य में है। आप देखेंगे गुजरात से अगर कोई आना चाहे उसको भी लगभग लगभग 24 से 25 घंटे लगते हैं। उत्तर प्रदेश से भी कोई जाना चाहे उसको भी लगभग 24-25 घंटे लगते हैं। अगर पूर्वोत्तर भारत से कोई आना चाहे उसको भी लगभग 24-25 घंटे लगते हैं। राज्य ने सभी ब्रह्म सृष्टियों को ध्यान में रख करके केंद्र में बिल्कुल सेंटर में वो जगह ली है। एक तो मध्य प्रदेश और उसमें भी मध्य स्थान में सभी के सेंटर में हुआ पड़ता है पहला। दूसरा, वह स्थान सुख सुविधा संपन्न नहीं है क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की माया भी इच्छा राज्य पूरी नहीं करते, ये हम पहले के प्रसंगों में भी देख चुके हैं। तो इसीलिए श्रीजी साहब ने इन सब बातों को ध्यान में रख करके सोने का मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन उस प्रसंग से आज हमारा समाज शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है। आज तो हमारा समाज श्री देवचंद्र जी की सोने की मूर्ति बनाना चाहता है। आज कई मंदिरों में सोने के ऊंचे ऊंचे खंभे बनाए जा रहे हैं सोने के पानी चढ़ा करके और कहते हैं कि हम टूरिस्ट को आकर्षित करना चाहते हैं। आज हम लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, लोग ऐसे आकर्षित होकर आएंगे भी तो फायदा क्या होगा आपका? आपको वाणी फैलाना है, ना कि आपके मंदिर की सुंदरता दिखानी है। अगर वाणी पर ईमान लेकर के कोई आता है तो वह सुंदर साथ है। अगर आपके स्वर्ण मंदिर को देख करके कोई आता है तो सिर्फ वह आपके व्यापार को ही बढ़ाएगा। तो हमें उस राह पर नहीं चलना है, हमें तो श्री जी ने लक्ष्मीदास जी के माध्यम से जो शिखापन दी है उस राह पर चलना है। तो ऐसी अनेकों लीला हुई पन्ना धाम में सुंदर सात को शिखापन देने वाली और ऐसे करके 10-11 वर्ष व्यतीत हुए और श्री लालदास जी के अनुसार इस चौपाई के अनुसार कहते हैं अब स्वरूप सात को देते है, अब सुंदर सात को जागने की शोभा दे करके श्री जी अंतर्ध्यान हो रहे हैं। और उस समय आगे के जो दो प्रकरण है उन प्रकरणों में श्री लालदास जी ने पन्ना धाम के व्यवस्थापन के विषय में बताया। कहते हैं कि दिन आठों प्रहर की कई बिरत जो ए नित कारखाने से वही कहूं साथ ही सब सेवन के, क्योंकि आज समय भी अंतिम है, बहुत अधिक समय भी नहीं है। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा सभी सुंदर साथ का, लेकिन बस मैनेजमेंट का तरीका में इस प्रसंग से शिक्षा लेकर के आप सबको बताना चाहता हूं कि श्री लालदास जी ने ये देखा, क्योंकि श्री जी का आदेश उन पर हुआ था। इससे पहले और सुंदर साथ थे जो ये सेवा कर रहे थे, वृंदावन जी थे और इससे पहले गरीबदास जी थे। गरीबदास जी ने कुछ समय तक ये सेवा की पन्ना पहुंचने से पहले, हरिद्वार से भी पहले क्या ये प्रसंग है, गरीबदास जी के पास ये सेवा थी। उसके बाद में वृंदावन जी को ये सेवा मिली। फिर जब पन्ना पहुंचे 5000 की जमात है, श्री जी ने सोचा कि लालदास जी 99 जहाजों से इनका व्यापार चला करता था तो इनको प्रबंधन का पता है, प्रबंधन का अनुभव है। तो लालदास जी को ये सेवा सौंपी। फिर लालदास जी ने क्या किया, प्रबंधन के लिए 36 कारखाने बनाए। कारखाने का मतलब फैक्ट्री नहीं, कारखाने का मतलब 36 विभाग बनाए, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े तक का विभाग बनाया। वस्त्रों का विभाग अलग है, जलपान भोजन इत्यादि का विभाग अलग है, चिट्ठी इत्यादि लिखने का विभाग अलग है, फिर ऋतु के अनुसार शीतलता और गर्मी की व्यवस्था करने का विभाग अलग है, और क्योंकि आज की तरह गैस सिलेंडर तो नहीं हुआ करते थे तो लकड़ी का विभाग अलग बना रखा है। तो ऐसे करके 36 अलग अलग विभाग बनाए हैं, अनाज को इकट्ठा करने का, सब्जियों को इकट्ठा करने का, औषधियों को इकट्ठा करने का, रुई सूत बासन इनको इकट्ठा करने का, ये सारी सेवा 36 विभाग उन्होंने कर रखी है। और 36 भाग करके श्री लालदास जी ने सबको सौंप दिया। और उसके बाद लालदास जी क्या करते हैं, दिन में एक समय निकाल करके सभी विभाग अध्यक्षों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि किसी के विभाग में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है,
कमी होती है तो उसको सुलझाते हैं, कमी नहीं होती है तो फिर उसी को निरंतरता देते हैं। आज कोई भी संस्था अगर चलानी हो तो एक के बलबूते कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे वह ज्ञानपीठ जैसी संस्था हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई और अन्य ट्रस्ट हो, किसी एक के बलबूते कार्य नहीं हो सकता। अगर व्यवस्था समान ली है, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में भी श्री लालदास जी की इस व्यवस्था से शिक्षा लेकर के हमने अलग अलग विभाग बनाए हैं, भोजन का विभाग अलग है, गौशाला का विभाग अलग है, शिक्षा का विभाग अलग, सफाई का विभाग अलग, और विद्यार्थियों को दिनचर्या में संभालने का विभाग अलग है। इस तरह से ही किसी चीज़ की व्यवस्था चल सकती है। अगर कोई व्यक्ति व्यवस्थापक के पद पर बैठा है लेकिन सारे काम को स्वयं देखने के लिए जाता है, वो बाजार भी स्वयं दौड़ रहा है, खेत में भी अगर खुद पहुंच रहा है, तो ऐसे कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए तो व्यवस्थापक को चाहिए कि सारी चीज़ों के अलग अलग विभाग बना करके उन विभागों के अध्यक्ष बनाए, फिर उसको हर जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर लालदास जी क्या करते हैं, अगर उन 36 विभागों में भी कोई ऐसा विवाद आता है जिनको वो स्वयं सुलझा नहीं पाते, तो श्रीजी साहब के पास जाते हैं, श्रीजी साहब से वह निवेदन करते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसी समस्या आई है, इसको क्या करना है, तो श्रीजी साहब के आदेश के अनुसार उस विवाद को सुलझाया जाता है। कहते हैं, श्री महामती कहे, ए मोमिनो, ए साथी सेवा के, कहूँ केता अजो बहुत है जिन प्यारे चरण धनी के। ये तो 36 विभागों का वर्णन किया, अब आगे भी ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं, बहुत सारे सेवा हैं, और सेवा करने वाले वही सुंदर साथ हैं जिनको धाम धनी के चरण कमल प्रिय हैं। जो राज्य को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं वही सेवा करते हैं और वही सेवा कर भी सकते हैं। दूसरे लोग काम कर सकते हैं, दूसरे लोग नौकरी कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन सेवा नहीं कर सकते। सेवा तो केवल भाव से होती है और भाव तो राज्य के द्वारा अथवा राज्य के लिए ही आ सकता है। अब आगे कहते हैं, गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोय। अब गर्मी के दिनों का वर्णन कर रहे हैं, गर्मी और सर्दी में दोनों में क्या करते हैं कि गर्मी में एक तो गंध आती है, गर्मी की समस्या क्या है, एक तो गर्मी खुद समस्या है और उस गर्मी रूपी समस्या से पैदा होने वाली छोटी छोटी समस्या, क्योंकि शरीर में पसीना होता है, पसीने की गंध अलग, और वातावरण में उमस होती है, उमस के कारण जो जमीन से गंध निकलती है वह अलग। तो इसलिए शीतलता के साथ साथ में सुगंधि का भी ध्यान रखना है। तो सुंदर साथ क्या करते हैं कि घड़ों में गुलाब से गुलाब जल निकालते हैं, इत्र निकालते हैं, और फिर गर्मी के दिनों में बंगला जी में और बंगला जी के चारों तरफ आसपास के जगह पर उस गुलाब जल को छिड़कते हैं सुगंधि के लिए। फिर क्या किया कि खस खाना का मतलब क्या है, खस आपने देखा होगा नदियों के किनारे जो ऊंची ऊंची घासें होती है उसको काट करके, उसको सुखा करके, फिर बांस को काटते हैं, बांस की कमछियां बनाते हैं, मतलब बीच में से चीर करके, फिर उन बांस में खस को बिछाया जाता है, ऊपर से दूसरा बांस रखा जाता है, फिर उसको धागे से बांधा जाता है। अगर आपको आज के उदाहरण से समझाना हो तो पुराने जो कूलर हुआ करते थे, कूलर में क्या होता था कि पीछे जो घास फूस हुआ करते थे कैसे सेट करके रखा रहता था, ध्यान आया होगा सबको। तो कूलर में क्या करते हैं, उसमें जब पानी डालते हैं तो उस घास फूस में पानी से भीग जाता है, फिर जब हवा उधर से क्रॉस होती है तो ठंडी हवा आगे कूलर पास करता है। वैसे ही खिड़कियों में खस से छोटे छोटे दीवाल नुमा बना करके खिड़कियों में रखे जाते थे, पतले पतले, जिनको भिगोया जाता था इत्र से और गुलाब जल से, फिर उस खिड़की से जब हवा क्रॉस होती थी तो सुगंधि के साथ साथ में शीतलता भी कमरे में बना रहता था। आज की तरह तो था नहीं, इसलिए प्राकृतिक एसी उन्होंने बना रखा था। तो इसकी सेवा करते हैं सुंदर साथ, और उस छप्पर में, उस खस की छप्पर में अपने हाथों से पानी छिड़कते हैं, और ऐसी खस की जो छप्पर है उसको बनाने की सेवा एक ओका भाई करते हैं, एक करते हैं गंगाराम, एक है कृष्णदास, फिर एक है मोहम्मद खान, ये सब सुंदर साथ मिलकर के सेवा करते हैं। अगर बढ़ई का कोई काम होता है तो मोहनदास जी और हीरामन ये सेवा करते हैं। बांस की कमचियों को लाने की सेवा जंगल में, क्योंकि पहले बांस तो हुआ करते थे, तो पूर्विया जी खोज करके बांस लेकर के आते हैं, उस बांस को काट करके ठीक ठाक करने की सेवा जग्गू और वीर जी ये सेवा करते हैं। फिर इनायत खान, भगवान दास, गंगाराम ये सब क्या करते हैं कि रात को सुंदर साथ सोए होते हैं ना जिन बिस्तरों में, उनको उठा करके उन जगहों पर शीतल सुगंधित जल को छिड़कने की सेवा करते हैं। बिहारी दास जी उन बिछौनों को
उठाने की सेवा करते हैं, और भी बहुत सारे सुंदर शक्तियों की, 5000 लोगों के बिस्तरों को उठाना एक दो लोगों के बस की बात नहीं है, तो और भी सुंदर साथ हैं। कहते हैं सब साथ दौड़े इन काम, एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को सेवा करते हुए देखते नहीं रहते, जहां आवश्यकता पड़ती है दौड़ करके वहां सेवा संभालते हैं। अब श्री जी को गर्व भी ना लगे इसलिए वाओ ढोले इत हजूरी खड़े रहे एक पाए, अर्थात एक पाव में खड़े रहने का मतलब है सावधानी पूर्वक खड़े रह करके। बिहारी जी सुंदर साथ हैं जो श्री जी को पंखे से हवा करते हैं, कभी कभी गंगा दास जी आते हैं, शंकर दास जी भी आते हैं एक तरफ, और बिजन अर्थात हाथ का पंखा लेकर के, जो पंखा हाथ से चलाया जाता है, संस्कृत में व्यजनम शब्द आता है, व्यजनम का मतलब होता है पंखा, और उसका जो अपभ्रंश से वह है बिजन, तो वह लेकर के आते हैं। और जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं वह स्वयं अपने हाथों से पंखा करते हैं, हर सेवा में श्री छत्रसाल जी का नाम आता है। अब इस तरह से कहते हैं और साथ ही सब ढोलत जहां लग पौढ़त श्री राज, श्री जी जब तक लेटे हुए हैं पौड़े हुए हैं सुंदर साथ, चार सुंदर साथ पंखा करने के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि एक तो थक जाएंगे, तो बारी बारी से ऐसे पंखे करते हैं। और साथी भी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख, जिन सुख लिया इन समय कहियो न जाए इन मुख, जिन सुंदर साथ ने सेवा का सुख लिया, सेवा का लाभ लिया, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इस सेवा में सबसे पहले निर्मल दास जी थे, उसके बाद प्रेम दास जी, फिर लाल दास जी, मुकुंद दास जी, ये कोई अपने आप को छोटा नहीं समझ रहे। अगर पंखा घुमाने की सेवा करते हैं तो अपने आप को छोटा नहीं समझते। निर्मल दास जी हैं, लाल दास जी, मुकुंद दास जी, इनकी शोभा कितनी बड़ी है। एक सुंदर साथ वृत्तांत मुक्तावली में वितक लिख रहे हैं, एक सुंदर साथ इस वितक के माध्यम से परमधाम का और यहाँ के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन दोनों पंखा चलाने की सेवा में भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं। फिर हकीकत खान एक सुंदर साथ हैं जो गुलाब के इत्र से भरे हुए शीशे भेजते हैं, उसको श्री जी की सैया पर छिड़कने का काम, उसकी सेवा गंगाराम जी करते हैं। फिर गर्मी के दिनों में पहनने के लिए पतले वस्त्र प्रेमदास जी लेकर के आते हैं, और इन वस्त्रों को रखने की, संभालने की सेवा बाद में नंदराम जी के पास आती है। फिर ये सेवा कुछ समय के बाद आई वल्लभ दास जी के पास, कहते हैं बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोज। वल्लभ दास जी क्या करते हैं कि उस सेवा को उन्होंने खोज करके लिया था, उनके पास कोई सेवा नहीं थी एक समय में, तो उन्होंने खोज करके कि मुझे कौन सी सेवा मिल सकती है, इस सेवा को उन्होंने ग्रहण किया था। फिर एक सुंदर साथ है महावजी भाई, जो पहले पोरबंदर में रहा करते थे, अब उन्होंने भी अपने घर को छोड़ा, माया को छोड़ करके श्री जी के पास आए। कहते सेवा अनार राखवे की और पत्री लिखवे की सेवा में, पत्री लिखने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उनको रखने में, अगर श्री जी किसी को पत्र भिजवाना चाहते हैं तो उनको लिखने की सेवा में, तथा अनार इत्यादि रखने की सेवा भी महावजी भाई ने संभाली। अब इस तरह से 36 कारखानों को संभालने के बाद श्री लालदास जी क्या करते हैं, सभी विभागों को देख करके आते हैं श्री जी को, श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं आस बाई इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मन। लालदास जी की इस व्यवस्थापन से प्रसन्न होकर के श्री जी उन्हें बहुत प्रेम से बुलाते हैं। अब इधर वितक के लिखने का कार्य भी समाप्त प्राय हो चुका है, तो ये वितक श्री लालदास जी ने लिखी, संपूर्ण वर्णन किया और वर्णन करके श्री जी के चरणों में जाकर के सौंपा, और श्री जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। अब कहते हैं श्री राज हेत कर बुलावत, दोनों प्रकार से, पहले जब श्री लालदास जी सारे विभागों को संभाल करके प्रतिदिन श्री जी के पास जाते हैं प्रणाम करने के लिए, तब भी वो प्रेम से बुलाते हैं। अब लालदास जी कहते हैं कि राज जी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि वो तो अपना तन छोड़ना चाह रहे थे, श्री जी की समाधि की अवस्था प्राप्त होते ही लालदास जी भी अपना तन छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन लालदास जी को यह हुक्म नहीं हुआ। उनको आदेश हुआ कि भविष्य में आने वाले हम सब जैसे सुंदर साथ को प्रबोधित करने के लिए वितक लिखने की, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने वितक लिखा। और उन्होंने जो सेवा पूरी की, राज्य की आज्ञा का जो उन्होंने पालन किया, तो अब वितक लिखने के बाद सौंपते हुए भी कहते हैं कि श्री राज हेतकर बुलावत, राज्य मुझे प्रेम से बुला रहे हैं, क्योंकि
मेरी सेवा से, लालदास की सेवा से अथवा आसबाई की सेवा से राज्य प्रसन्न हुए हैं। और अंत में कहते हैं, श्री महामती कहे ए सयन को ए सेवा के कहे साथ। ये सुंदर साथ सेवा के मैंने कहे, और सेवा में वही शामिल हो सकता है, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। कौन सेवा कर सकता है? राज्य जिसका हाथ पकड़ते हैं। और राज्य जिसका हाथ पकड़ने का मतलब क्या, मैं बार बार इसका वर्णन कर चुका हूं पहले भी, कि ऐसा नहीं कि राज्य आपको हाथ पकड़ करके कहेंगे कि तुम ये सेवा करो। आपने अपना हाथ माया को दे रखा है, जैसे मैंने उस खंभे का उदाहरण दिया था। एक बार क्या हुआ, बहुत तेज तूफान चले तो एक मच्छर उड़ते हुए गया और एक पेड़ में चिपक गया, बहुत बड़े पेड़ में। और जैसे चिपका, इस तरह से चिपका है कि हवा के कारण वो बिल्कुल सेंटर में है, तो पेड़ के कारण वो बच गया, पेड़ में वो चिपका हुआ रह गया। जब तूफान शांत हुआ, तूफान शांत होने के बाद में वहां से मच्छर उड़ा और उड़ते उड़ते उस पेड़ को बोलता है कि देखा, मैंने तुझे बचा लिया, अगर मैंने तुझे नहीं पकड़ा होता तो तू नहीं बचता। हम क्या करते हैं? हमने भी माया को ऐसे ही पकड़ रखा है। पहली बात, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ये काम माया का हम नहीं करेंगे तो कोई और कर ही नहीं सकता। मान लीजिए उदाहरण के लिए, इस बार तो सुंदर साथ बहुत कम आए हैं, और शाम को भी तक की चर्चा हुआ करती थी पहले। सुंदर साथ बार बार आकर के आग्रह करते थे कि महात्मा जी, अगर भी तक थोड़ा पहले खत्म हो तो अच्छा होता। डेढ़ घंटे की भी तक हो तो कहते थे एक घंटे में खत्म कर देंगे ना, तो हमें घर में जाकर के काम करना है, हमारे डांगर को चारा डालना है, जानवरों को घास डालना है। उनको ऐसा लगता है कि आधे घंटे में सारा काम खत्म हो जाएगा। पानी का कथन है ना कि मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। उनको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो गति है वो हमारे कारण हो रही है, पृथ्वी अपने अक्ष में कक्ष में हमारे कारण। एक प्रधानमंत्री हुए भारत में जो ये कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद में देश का क्या होगा। उनके जाने के बाद कम से कम 15 प्रधानमंत्री आ चुके और देश चल रहा है, उनसे ज्यादा अच्छी तरह से चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक के ना होने से अथवा होने से इस ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप क्या करते हैं उससे आपकी आत्मा को फर्क पड़ने वाला है। हम क्या करते हैं, हमने माया को पकड़ रखा है पूरी तरह से, माया को हाथ दे रखा है, फिर हम कहते हैं कि राज्य हमारा हाथ नहीं पकड़ते। माया से छुड़ा करके राज्य को तरफ देने का काम तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से पता तो चल गया है कि हमने जिसका हाथ थाम रखा है वह तो माया है। इतना हमें जब पता चला है तो उधर से छुड़ा करके राज्य की तरफ ले जाने का काम हमारा है। उसके बाद राज्य हमारा हाथ पकड़ने के लिए तो हरदम तत्पर है। इसलिए ऐसी जो ब्रह्म सृष्टि है, कहते हैं यहां ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। धाम धनी श्री राज्य जिसका हाथ पकड़ते हैं, जो ब्रह्म सृष्टि राज्य की तरफ हाथ देते हैं, यही ब्रह्म सृष्टि सेवा के कार्य में खड़े हो सकते हैं। श्री महामती कहे सयन को ए सेवा के कहे साथ, यहां ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। अब बीतक इस साल की तो खत्म हो गई, समाप्त कर दिया हमने। अभी हम थोड़ी देर में आरती गाएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद में चले जाएंगे। लेकिन बीतक को हम हर साल सुनते हैं। पिछली बार भी जब हमने पूर्णावति की होगी तब भी यही चर्चा सुनी होगी कि बीतक को हमें अपने जीवन पे उतारना चाहिए, बीतक को हमें अपने आचरण में लाना चाहिए, बीतक के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का हमें प्रचार करना चाहिए, हमें जागने की सेवा में, क्योंकि यहाँ कह रहे ना यहाँ ते ही खड़े रहे, तो हमें जागने की सेवा के लिए खड़े रहना चाहिए। लेकिन पिछली बार जब सुन रहे थे आज से एक वर्ष पहले और एक वर्ष के बाद में हम में कितना अंतर है। हमारी अवस्था तो वही है, जैसे हम बोलचाल में कहते हैं ना ढाक के तीन पात, तो वही तीन पात है, चौथा पात तो आया नहीं है। तो बीतक हम इस साल भी सुन रहे हैं, सुन सुन करके समाप्त कर दिया, अगली बार भी ऐसे ही सुनेंगे अगर हम में कोई अंतर आना ही नहीं है। न हम हमारे स्वयं के आचरण को बीतक के अनुरूप बदल रहे हैं, न हम आप अपने आसपास के लोगों को ज्ञान दृष्टि से जोड़ने की सेवा कर रहे हैं, फिर तो लाभ कुछ हुआ नहीं,
सिर्फ लाभ सिर्फ इतना हुआ कि महीने में एक महीने भर दिन के 3 घंटे हम बिता देते हैं, बस 3 घंटे का समय बीत रहा है, टाइम पास हो रहा है। अगर हमने इस वितक को सुन करके समझ करके भी, क्योंकि समझने वाली तो अभी कोई विशेष बात बची नहीं है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से वितक की टीका प्रकाशित हुई है और उस टीका में प्रत्येक चौपाई में जहां कोई कठिनाई हो शब्दों का अर्थ भी दिया गया है, भावार्थ दिया गया है, प्रमाण दिए गए हैं, अनेकों उदाहरण दिए गए हैं, तो इससे ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। फिर चर्चा के माध्यम से भी हमने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उन प्रसंगों को भी समझा है जो हमने कई बार हो सकता है टीका में कोई चीज छूट गई हो उनको भी समझा। पिछले साल हमने स्वामी जी के माध्यम से वितक की चर्चा सुनी, उससे पहले भी हमने कई बार वितक की चर्चा सुनी, लेकिन अगर अब भी परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आगे भी नहीं हो सकता। किसी ने एक महापुरुष से पूछा कि किसी अच्छे काम को करने के लिए सबसे अच्छा समय कब है, उन्होंने कहा अब। तात्पर्य क्या कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करने की कोई तय सीमा नहीं होती, उसका कोई समय नहीं होता, जब भी समझ जाए, कहते हैं ना जब तुम जागो तभी सवेरा, तो अगर हम अब भी समझ जाएं तो भी इस साल हमारा वितक सुनना सार्थक होगा। नहीं तो सुंदर साथ सिर्फ यही कहते रहेंगे कि इस साल की वितक अच्छी हुई, सुन करके अच्छा लगा, लेकिन उस अच्छे में से हमने अपने जीवन में क्या उतारा कि हम अच्छे बने, ये वितक का वास्तविक लाभ है। इसलिए मैं सभी सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा कि इस साल और इससे पहले सालों में तथा आने वालों सालों में भी वितक को सुन करके अब तक जो लाभ लिया और भविष्य में सुन करके जो लाभ लेंगे, उस लाभ का भी वास्तविक लाभ तब होगा जब हम उसको अपने जीवन में उतारें। वितक में सुंदर साथ ने जागने के लिए स्वयं की स्वजागृति और फिर दूसरे जीवों की अथवा ब्रह्म सृष्टियों की जागने के लिए जो सेवा की है, उस सेवा से उदाहरण लेकर के हम भी जागने के लिए अपना तन धन समर्पित करें। जहां जिसकी आवश्यकता पड़े, तन की सेवा की आवश्यकता पड़े तो वहां भी हम खड़े रहें, धन की सेवा की आवश्यकता पड़े तो यथासंभव हम उस सेवा के लिए भी तत्पर रहें, तभी हमारा वितक सुनना, सुंदर साथ कहलाना, तारतम ग्रहण करना सार्थक सिद्ध होगा, अन्यथा निरर्थक ही सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब, क्योंकि आगे हम स्वामी जी के माध्यम से वितक के सार को लेते हुए स्वामी जी का आशीर्वचन हम ग्रहण करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ मिलकर के चौपाई दो रहेंगे। श्री महामति कहे सयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनी पकड़े हाथ, जाके धनी पकड़े। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। प्राणाधार सुंदर साचे, आप विगत एक माह से वितक का श्रवण कर रहे हैं। वितक का नाम आते ही हमारे मन में आता है कि जो बीत गया, ऐसा नहीं है, एक घटनाक्रम है, अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। राज्य के साथ हमारे साथ जो कुछ बीतता रहा है वही तो वितक है। ये कोई कथा कहानी नहीं है, देवचंद जी की कहानी या श्री प्राणनाथ जी की कहानी नहीं, कहानी तो बीती हुई होती है। जरूर घटनाएं बीत गई हैं, लेकिन जो श्री देवचंद जी के तन में बैठा था, जो महामती जी के धाम हृदय में बैठकर लीला कर रहा था, छठे दिन की जागनी लीला में भी वही हर ब्रह्मात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और अपनी आत्माओं को जगा रहा है। बीतक में दो भाग है। पहले भाग में बताया गया है तारतम ज्ञान का अवतरण कैसे होता है और उसका दो तनों से प्रसारण कैसे होता है, फैलाव कैसे होता है, उस ज्ञान के प्रकाश में कौन कौन से ब्राह्मणी जगते हैं और जागृत होकर क्या करते हैं, ये दूसरे भाग में दर्शाया गया है कि सबने अपने प्राणेश्वर को रिझाया परम धाम के भाव से। श्री महाराज का तन वैसा ही है जैसे लालदास जी का है, भीम भाई का है, मुकुंद दास जी का है या महाराजा छत्रसाल जी का है। पांच तत्व का सबका शरीर है, लेकिन सबने क्या माना,
यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े आते। सबने पहचान की कि इस स्थल में हमारे प्राणेश्वर अक्षर अतीत बसते हैं। 5000 का समूह है, 5000 में 500 ब्रह्म सृष्टि है और सबने महामती जी के धाम हृदय में अपने अक्षरातीत की पहचान कर अष्ट प्रहर में जैसे रिझाया वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये दर्शाती है अष्ट प्रहर की सेवा। ज्ञान अर्जन तो कर लिया लेकिन ज्ञान को आचरण में नहीं उतारा तो सारा जीवन निसार हो जाता है। जैसे रावण वेदों का पंडित था लेकिन आचरण में वेद नहीं थे। दुर्योधन भी वेद का स्नातक था लेकिन उसके आचरण में वेद का एक अक्षर भी नहीं था, सब काम उल्टा ही करता था। ऐसा नहीं कि शकुनी कोई अनपढ़ था, वो भी पढ़ा लिखा था लेकिन उसमें धर्म की कोई गंध तक नहीं थी। श्री जी के चरणों में लालदास जी आते हैं जो बहुत बड़े उद्योगपति धनवान होने के साथ साथ भागवत गीता के भी विद्वान थे। मुकुंद दास जी जैसे विद्वान होते हैं वेदांत पर, जिनका बहुत गहरा अधिकार था ज्ञान के क्षेत्र में। भीम भाई आते हैं, वो भी वेदांत पक्ष के बहुत बड़े विद्वान हैं सूरत के। न जाने कितने ब्रह्मणि आते हैं और सबने अपना सब कुछ भुला दिया, अपने ज्ञान का अहंकार का आवरण उतार दिया, धन का अहंकार उतार दिया, सब श्री जी के चरणों में जाकर घर घर भिक्षा मांगते हैं मंदसौर में। आपने अभी तक में सुना किस तरह से मंदसौर में कई महीने तक घर घर जाकर भिक्षाम दे की आवाज लगानी पड़ती है, कितना कठिन कार्य है। लालदास जी जिनके दरवाजे पर न जाने प्रतिदिन कितने लोगों को भिक्षा मिला करती होगी, वो स्वयं घर घर आज भिक्षा मांग रहे हैं। भीम भाई भिक्षा मांग रहे हैं, ये क्यों हुआ? क्योंकि सबने अपने धाम धनी को पहचाना। जब पहचान हो जाती है तभी तो कोई समर्पण करता है। बुद्ध के साथ भी हजारों शिष्यों का समूह चलता था, महावीर स्वामी के साथ भी चलता था, और बुद्ध के साथ तो बड़े बड़े राजकुमारों ने अपना राजमहल छोड़ा और भिक्षुक बनकर के भिक्षा पत्र उठा लिया कि भगवान बुद्ध के संदेशों को हम पहुंचाएंगे। लेकिन जिस समाज में ये घटना घटी हो कि 5000 लोग अपना घर द्वार छोड़कर श्री जी के साथ चल पड़े हों, आज तो बहुत सुविधा है, कहीं भी आने जाने की कोई तकलीफ नहीं है। उस युग में सोचिए पैदल चलना होता था, रात को ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं, 5000 लोग एक साथ जा रहे हैं, औरंगजेब की सेना अलग पीछा कर रही है, और कहीं बाग में ठहरे यदि पानी बरसने लगा तो कोई रात भर के लिए कोई छप्पर तो छाया नहीं जा सकता था, टेंट लेकर तो चलते नहीं थे, बरसात की फुहारों से श्री जी भी भीगे होंगे, लालदास भी भीगे होंगे, भीम भाई भी भीगे होंगे, और भीख में मिले हुए भोजन के टुकड़ों को स्वयं अक्षरातीत ने भोजन ग्रहण किया होगा, जिस तन में पांचों शक्तियों के साथ स्वयं विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, वो भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण कर रहा है। किस लिए? ये शिक्षापन देनी थी कि छठे दिन की लीला में आने वाले सुंदर साथ को करना क्या है। 300 वर्षों का समय हो गया, हमने बीतक की कथा करने की सुनने की एक औपचारिकता पूरी की है, हमने सच पूछा जाए तो सीखा क्या है? कुछ नहीं। हमारी दिनचर्या में अष्टप्रहर की लीला नहीं आती। आप देखेंगे अष्टप्रहर की बीतक में सवेरे भी चर्चा होती है और शाम को भी 9 से 12 चर्चा होती है। 9 से 12 सवेरे भी चर्चा होती है, रात्रि को भी 9 से 12, कभी 2 भी बज जाते हैं। 3 घंटा सवेरे, 3 घंटा रात्रि को, 6 घंटा, कभी 8 घंटे में चर्चा हो जाती है। और आज पूरे देश में जाइए, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लाखों रुपए पानी की तरह उड़ा दिए जाते हैं। 5-6 दिन का कार्यक्रम हो, बजट करोड़ में आ जाता है, चर्चा कुछ नहीं, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ भी परिणाम नहीं आता। और चितवनी जो हमारे जीवन का आधार है, बिना चितवनी के आत्मा जागृत नहीं हो सकती, वो चितवनी ही निर्धारित है समाज से। उसकी जगह क्या कह दिया गया
कर्मकांडों का एक बोझ लाद दिया गया है। आप देखेंगे पहले प्रहर में क्या होता है, 6 से 9 में श्री जी के उठापन के साथ सब सुंदर साथ परम धाम की चितवनी करते हैं, रात्रि को भी जब समय आता है 4:30 बजे का समय, उस समय भी सब चितवनी में डूब जाते हैं। चितवनी सबका आहार था, आहार थी, इसलिए मृतक में कहा गया है अज्ञाली जोलो रहे तुम बहुत चाहत रे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल के अंगठरे। अंगठरने का तात्पर्य सबके शरीर में शीतलता आ गई, कोई चितवनी की तरफ रुचि नहीं रही। क्योंकि होता क्या है, चितवनी का मार्ग किसका है, प्रेम का मार्ग है। इस मार्ग पर कौन चलेगी, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि। ईश्वरीय सृष्टि का मार्ग भक्ति का है और जीव सृष्टि का मार्ग केवल कर्मकांड का है। श्री जी के अंतर्धान होने के पश्चात अधिकतर ब्राह्मणियों ने विरह में तन छोड़ दिया और उसके पश्चात क्या हुआ, तीसरे श्रेष्ठ विष्णु वर्षे प्रेमी पीवेगा शब्दों का सार। जब श्री जी का अंतर्धान 1751 में होता है, 1748 समझ लीजिए, 1748 में मार्फत सागर उतरता है, उसके पश्चात 100 वर्षों तक 1748 से 1848 तक का जो समय है उसमें 30 वर्ष तक, यानी 1751 के बाद 30 वर्ष तक ईश्वर सृष्टि का राज रहा। ब्रह्म सृष्टियाँ हतोत्साहित हो गई, केवल महाराजा छत्रसाल जी ने जगह जगह ज्ञान के प्रचार के लिए ब्राह्मणियों को भेजा। व्यवस्था पर नियंत्रण किसका था, केवल ईश्वर सृष्टि का। ईश्वर सृष्टि ने ज्ञान को प्राथमिकता दी। अब चितवनी कम होने यहां से शुरू हो जाती है और जब जीव सृष्टि का राज होता है तो जीव सृष्टि जानते हैं क्या करती है, दिखावे की बंदगी। आपके हाथ में माला है कि नहीं, तिलक लगाया है कि नहीं, चरामृत प्रसाद लिया है कि नहीं, आपने सेवा पूजा की है नहीं, मेहर सागर का पाठ याद है कि नहीं, बस ये इसका प्रचार करेगी। गले में आपके माला नहीं है, कंठी नहीं है, तो किसी भी मंदिर में आपको रहने को नहीं मिलेगा। और वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। कर्मकांड में थोपा गया, वाणी में कुछ और लिखा है और जीव सृष्टि कुछ और बताती है। वाणी कहती है तस्वीर गुदड़ी करवा छोड़ो जने हिरसवा, और हमें बताया जाएगा कि कंठी सुहाग का चिन्ह है। यही प्रचार किया जा रहा है 300 वर्षों से। आज देखिए सारा संसार विनाश के ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा हुआ है। माओवादी कहते हैं कि हमारे माओवाद हमारा सारे संसार में फैलना चाहिए। मुस्लिम कहते हैं कि हमारा इस्लाम सारे संसार में फैलना चाहिए और क्रिश्चियन चाहते हैं कि हमारी क्रिश्चियनिटी सारे संसार में फैलना चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। बेचारे ये तामसिक हैं तीनों, तीनों के लिए दया धर्म का कोई महत्व नहीं है। मुस्लिम कट्टर आस्तिक हैं, लेकिन आस्तिकता की चादर ओढ़कर उन्होंने पर्दे के पीछे तलवार रख रखी है, हिंसक अस्त्र शस्त्र रख रखे हैं कि जो हमारे शरीयत को बंधनों को नहीं मानेगा उसको दुनिया से मिटा देंगे। हमारी भाषा सारे संसार में फैलनी चाहिए, हमारी शरीयत की मान्यताएं फैलनी चाहिए। क्रिश्चियन भी यही शिक्षा दे रहे हैं और माओवाद भी यही शिक्षा दे रहे हैं, और विश्व युद्ध का कारण क्या होगा, यही तीनों बनेंगे। राज्य ने हमको सौंपा था कि हम 300 साल में संसार को परम धाम का ज्ञान देकर संसार को इस योग्य बनाते कि सारा संसार परमात्मा के प्रेम में डूबा रहता, लेकिन जब हम नहीं डूबेंगे तो दूसरे को कहां डूबाएंगे। हमने तो वैष्णव की सारी पद्धतियां ले ली, हम भागवत की आरती उतारने लगे और क्या करने लगे, देखा कि पौराणिक लोग जगह जगह सुंदर मंदिर बना रहे हैं तो हम भी बड़े बड़े मंदिर बनाए। ये नहीं सोचा कि बीतक में पढ़ करके देख लेते, श्री जी भी चाहते तो छत्रसाल जी को कह देते, तो जगह जगह पूरे देश में छत्रसाल जी के पास क्या कमी थी, हीरों की कोई कमी नहीं थी, जगह जगह मंदिर बना देते। लेकिन श्री जी ने 10 साल तक जो पन्ना जी में लीला हुई है क्या किया, 6-6 घंटे चर्चा सुनाई है, कई कई घंटे ध्यान कराया है, ये कुछ नहीं हुआ। मंदिरों में केवल सेवा पूजा ही तो होती रही, सेवा पूजा जहां होगी वहां से ज्ञान का प्रकाश कैसे फैलेगा।
मैं ये बहुत कटु बात कह रहा हूँ, कहीं जागने का प्रकाश फैलता है, सुंदर सा सोते कि यह एक मंदिर बना दिया जाए, मंदिर बन जाएगा तो यह जागनी और बढ़ेगी। संभव है कुछ समय तक जागनी बढ़ती है और जिस महापुरुष के द्वारा मंदिर का निर्माण किया होता है उसके तन रहते रहते तो वहाँ जागनी बढ़ती है, फिर कब्जा कौन करेगा? जीव सृष्टि। और जीव सृष्टि के पास जब ज्ञान नहीं रहेगा, चित्तनी का बल नहीं रहेगा, तो जीव सृष्टि का जो अध्यक्ष होगा उस स्थान का क्या सोचेगा? मेरे जीते जी मेरे बराबर यहाँ कोई दूसरा विद्वान नहीं पैदा होना चाहिए। तो अपने जीते जी वो कभी भी वाणी के ज्ञान का फैलाव नहीं करना चाहेगा, न किसी को चित्तनी में डुबाना चाहेगा। उसका जो उत्तराधिकारी होगा उससे कम होगा, वो सोचेगा कि मैं भी अपने बराबर किसी को बना दिया तो मेरी महत्ता क्या रहेगी। आप सोचिए, तो वो भी अपने जीवन में किसी नए को बड़ा विद्वान बनने देगा नहीं, अपने से तो बिल्कुल नहीं बनने देगा। यही होता गया 300 वर्षों में, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा स्तर गिरता गया। हम संसार वालों के सामने खड़े नहीं हो सकते, हम दूसरों को क्या समझाएंगे, हम क्रिश्चियनिटी को क्या समझाएंगे या मुसलमानों को क्या समझाएंगे, माओवादी नास्तिकों को हम क्या समझाएंगे, हमें तो खुद पता नहीं कि वाणी में लिखा क्या है। 40 लाख की संख्या में मैं समझता हूँ काफी सुंदर साथ ऐसे भी होंगे जिनको शुद्ध तारतम के 6 चौपाइयां याद नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सोने वाला दूसरों को क्या जगाएगा, जब हमारा समाज ही सो रहा है तो संसार को जगाने का उत्तरदायित्व क्या लेगा। राज्य तो हमसे आशा लगाए बैठे रहे कि मेरे परमधाम के ब्रह्मणी हैं और हमारी महिमा में कह दिया कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण क्रवीत करी तपस्या, ये कहवत वेद वचन हम गर्व से सुनाते हैं कि देखिए हमारी चरण रज के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं, हमारे जैसा कौन है। लेकिन जब जीव सृष्टि का एक विद्वान सामने आता है, चाहे वेद का विद्वान हो, कुरान का विद्वान हो, बाइबिल का हो, तो हम नजर बचा करके भागना चाहते हैं, मुकाबला करने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती। क्यों? हमारे पास न ज्ञान है न चित्तनी का बल है, ऐसी स्थिति क्यों आई। जब विशालकाय वृक्ष हो उसको पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो सूख जाएगा। भले ही हमारे अंदर परमधाम की आत्मा है लेकिन मर्यादा तो इस काल में कि ब्रह्मांड की है। हमारे जीव के अंदर यदि ज्ञान का प्रकाश न दिया जाए, हमारा जीव कसौटी पर अपने को खरा न उतारे तो क्या होगा, हमारे पास आत्मिक बल कहाँ से आ जाएगा। यही हुआ, पिछले 300 वर्षों में मंदिर खूब बनाए गए लेकिन किसी को चितवनी का ढंग नहीं सिखाया गया, किसी को वाणी का गहन अध्ययन नहीं कराया गया। चौपाइयाँ कुछ रटा दी गई, चौपाइयों के शाब्दिक अर्थ बता दिए गए, ये नहीं बताया गया कि वेद पक्ष में इसका प्रमाण क्या है, कथे पक्ष में इसका क्या प्रमाण है। परिणाम क्या हुआ, हम लोग एक वैष्णव के एक संप्रदाय जैसे छोटे संप्रदाय बना करके बैठे रहे। वाणी क्या कहती है, एतु गति संसार की जो खेचा खेच करत, अपन तो साथी धाम के हैं हम में नूर मत। तारतम वाणी का प्रकाश किसके लिए आया है, एक संप्रदाय के लिए नहीं आया है, सारे ब्रह्मांड के लिए आया है। जाके सब दुनिया राह देखत वाणी में लिखा है कि सारी दुनिया जिस ज्ञान के अवतरण की प्रतीक्षा कर रही थी, जब वो तारतम ज्ञान का प्रकाश फैला तो प्रश्न यह है कि 300 साल तक छिपा रहा, जिन्होंने छिपाया वो हंसी के पात्र तो हैं लेकिन समय के प्रवाह को आज हम अभी भी माप नहीं पा रहे। हमारे समाज के जो अग्रगण्य लोग हैं उन्होंने दूसरों की बुराइयों की नकल की। क्या देखा कि स्वामी नारायण मत में सोने के छत्र हैं, सोने के सिंहासन हैं, शानदार शानदार मंदिर हैं, तो हम भी वैसा बनाना प्रारंभ करें तो हमारे में भी चढ़ावा चढ़ना शुरू होगा। ये नहीं सोचा कि स्वामी नारायण मत में बौद्धिक दृष्टि से बहुत ही निर्बलता है, वो एक निर्बल पंथ है ज्ञान के दृष्टि से। उनके पास दर्शन के विद्वान नहीं, वेदों के विद्वान नहीं, व्याकरण के विद्वान नहीं, कुछ गीता पढ़ लेते हैं, कुछ भागवत पढ़ लेते हैं। हाँ, गुजरात की प्रजा बहुत संपन्न है, भावुक है, दान देती है और उस दान के पैसे से इनके महलों जैसे मंदिर बनते हैं।
लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टि क्या करने के लिए आई है? पट भैर खय चीकना हिम जवेर श्रृंगार हक लज्जत मोहम्मद जिंतुनी कवि मुर्दार। ब्रह्म सृष्टि तो स्वामी नारायण के महाराजों की तरह जिंदगी बिताने के लिए नहीं आई है, ये अग्रगण्य लोगों ने क्यों भुला दिया? उनकी नकल करके आज हमारे समाज में भी परंपरा चल गई है कि सोने का छत्र खूब होना बढ़िया होना चाहिए, सोने का सिंहासन होना चाहिए, सोने के थम्भों को सजाओ, दरवाजों पर सोने चढ़ाओ। क्या इससे वाणी फैलेगी? ये तो शयन की लीला चल रही है, जागने की लीला नहीं है। जागने की लीला के लिए तो आप देखिए 5000 सुंदर साथ जब घर छोड़ करके चले थे तो ये नहीं सोचा था कि मुझे खाने को क्या मिलेगा। सबने सोचा कि हमारे प्रीतम अक्षरातीत आए हैं, उनके साथ हमें चलना है, चाहे भूखों रहना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। श्री जी के एक आदेश पर 12 सुंदर साथ औरंगजेब के सामने गए और इतिहास की पहली घटना है कि औरंगजेब के सामने जा करके कोई जीवित बच करके आया। छत्रपति शिवाजी भी कारागार में थे, थोड़े दिन और रह जाते तो उनको भी फांसी दे दी जानी थी, बंदा बैरागी को भी दी जानी थी। बंदा बैरागी को आगरा के किले में कैद किया था, बहुत मुश्किल से ये जो जसवंत सिंह के साथ रहते थे, ये जो एक दुर्गादास को भी औरंगजेब ने छल से बुलवा लिया था और कैद करा दिया था। दुर्गादास को भी फांसी की तिथि निश्चित हो गई थी, लेकिन कुछ आकस्मिक घटना हो गई जिसके कारण दुर्गादास बच गए थे। बंदा बैरागी की घटना तो बहुत बात की है, लेकिन आप देखिए औरंगजेब के दरबार में जाना और 12 सुंदर साथ ने औरंगजेब को भरी सभा के बीच में फटकार लगाई थी। औरंगजेब अंदर से कांप रहे हैं, मोमिनों से आंख मिलाकर बात करने का साहस नहीं हो रहा है। सारे अधिकारी डर गए, फिर भी उनका बाल बांका नहीं हो सका। ये किसकी कृपा थी? श्रीराज जी की कृपा थी, जिन्होंने विश्वास किया, उस स्वरूप को अपना सब कुछ निछावर किया। जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विध मन चाया स्वरूप हो के कारज किए सब सिद्ध। छठे दिन की लीला में क्या होता है मैं अभी कह रहा था। कुछ विद्वानों ने कहना शुरू किया कि प्राणनाथ जी तो तभी चले गए थे। आज स्थिति यह है कि सुंदर साथ के एक विशेष वर्ग को न तो वाणी पर अटूट आस्था है, न प्राणनाथ जी पर अटूट आस्था है। वो प्राणनाथ जी को संतों कवियों महापुरुषों और संसार के गुरुओं की श्रेणी में रखता है। वो भूल जाता है वाणी के कथनों को कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम जो कबू किन कानों ना सुनी सो आए करो दीदार खसम। स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म आए हैं, वाणी के कथनों को नकार देता है। उसको तो लगता है कि हम भागवत की किस्सा कहानियां सुना लेंगे, कुछ धन इकट्ठा कर लेंगे, सुंदर मंदिर बना लेंगे तो हमारे जागने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप बताइए, परम धाम के तो एक कण में इतना प्रकाश है कि संसार के करोड़ों सूर्य फीके हो जाएंगे। आप उस परम धाम के रहने वाले हैं, इस संसार में माया की दुनिया में धन इकट्ठा करके सुंदर मंदिरों को बनाने की अपेक्षा आप हर दिल को सुंदर क्यों नहीं बना देते? हर दिल को आप मंदिर क्यों नहीं बना देते? ये मंदिर हर दिल कब बनेगा? जब हर दिल के अंदर परम धाम की वाणी का प्रकाश होगा, हर दिल के अंदर परम धाम के प्रेम की सरिता प्रवाहित होगी, जब चितवनी की रसधारा बहेगी, वाणी की गर्जना होगी, तभी तो ये संभव हो सकेगा। और ये मंदिरों की घंटी घड़ियाल से नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था मंदिर में जो भी महंत रहेगा, महाराज रहेगा, वो अपने जीते जी अपने बराबर किसी को नहीं आने देगा। परिणाम क्या होगा? ज्ञान बढ़ने की अपेक्षा घटता जाएगा। इसलिए आवश्यकता है, आज समय की मांग है कि मंदिर न बनाकर जो मंदिर बन गए वहां पुस्तकालय बनाए जाएं, ध्यान कक्ष बनाए जाएं, ज्ञान के प्रचार के लिए कुछ विद्यालय खोले जाएं जहां की वाणी की शिक्षा हो, ऊंचे से ऊंचे स्तर के प्रवक्ता तैयार किए जाएं जो वाणी को कई भाषाओं में बोल सके, ध्यान कक्ष बनाकर सबको ध्यान कराया जाए, चितवनी की रसधारा चारों तरफ फैलाई जाए, तो हर दिल जो श्री जी के चरणों में आएगा हर दिल मंदिर बन जाएगा, बिना पैसे का मंदिर बनेगा। इस दुनिया का मंदिर तो 200-300 साल के बाद गिर भी सकता है, लेकिन जिसका हृदय मंदिर बन गया
अरबों खरबों साल तक भी वो टूटेगा नहीं, क्योंकि सृष्टि के लय होने के बाद भी वो जीव युग माया के अंदर अखंड हो जाएगा। हमारी आत्मा के दिल में युगल स्वरूप साक्षात बैठ जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यदि नर भूखे हैं तो नारायण को 56 भूख लगाकर क्या करेंगे आप? हिंदू पौराणिकों को ये बात समझ में नहीं आती। वो अपने जगन्नाथपुर में जाइए, 56 भोग लगता है। उसकी नकल हमारे समाज में भी शुरू हो गई, अभी तक कई जगह हो रही है, इसमें भी कई जगह 56 भोग लगाने की परंपरा है। मैं ये नहीं कहता कि मत लगाइए, लेकिन लगाने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जिसकी नेत्रों के इशारे से इच्छा मत से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और लय प्राप्त होते हैं, वो आपके 56 भोग का भूखा प्यासा नहीं है। उसकी कृपा दृष्टि से भ्रिकुटी बिला से अनंत ब्रह्मांडों का पूर्ण हो जाता है। उसको आप क्या खिला सकते हैं, उसको रहने के लिए क्या निवास बना सकते हैं? आवश्यकता यह है कि उसकी महिमा को सब में फैलाइए। जो धन हम मंदिरों की सजावट में लगा रहे हैं, उस धन को वाणी के प्रकाश में फैलाने में लगाइए कि हर कोई तारदम वाणी का प्रकाश पाए, हर कोई बैठे बैठे चितवनी करे। ये तो कुछ नहीं हो रहा है कि नाचना कूदना, और तो और धर्म एक व्यापार बन गया है। मैं आपको एक उदाहरण संक्षेप में देना चाहता हूँ। आज से कुछ वर्षों पहले दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बना, जानते हैं उसमें कितना खर्च हुआ था? आज से 15 वर्ष पहले लगभग बना था, 400 करोड़ रुपए उसमें उस समय खर्च हुए थे। ये तो लिखित की बात है, पता नहीं अभी कितने खर्च हुए हैं। 400 करोड़ में 100 करोड़ के 4 धार्मिक विश्वविद्यालय यदि देश के चारों कोनों पर बन गए होते, या मैं सोचता हूं 3 बन गए होते और 100 करोड़ में, यानी 75 करोड़ में आराम से धार्मिक विश्वविद्यालय देश के 4 कोनों पर बन जाते, और 25 करोड़ में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती कि जितने विद्यार्थी रहे, जितने आचार्य होते, सबका वेतन उस 25 करोड़ के पैसे को ऐसी जगह लगाया जाता जिससे होने वाली आय से सभी आचार्यों का वेतन दिया जा सके और सभी विद्यार्थियों के खाने पानी पीने की व्यवस्था की जाती। सारे देश के जितने भी असहाय बच्चे हैं बनवासी क्षेत्र में भटकने वाले, जिनके पास पैसे नहीं होते, या जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं, महात्मा जो पढ़ना चाहते हैं, सबको उन 4 विश्वविद्यालयों में बना दिया जाता तो देश में हजारों विद्वान तैयार हो जाते और धर्म की पताका फहराते। लेकिन आज क्या हो रहा है? अक्षरधाम मंदिर में जाइए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फव्वारों का नृत्य देखने को मिलेगा, और ताजमहल में जो सजावट है उससे भी ज्यादा सजावट अक्षरधाम मंदिर में गई की गई है। अंदर जाएंगे तो 3 मंदिर मिलेंगे, एक में राधा कृष्ण की मूर्ति है, एक में शिव पार्वती की मूर्ति है, और एक में ध्यान नहीं आ रहा है, या तो लक्ष्मी नारायण की होगी या सीताराम की होगी, मुझे कई वर्ष हो गए देखे हुए। फव्वारों का नृत्य देखना है और ये मूर्तियां देखनी है तो ये तो गली गली में ये मूर्तियां हैं। फव्वारों तो पार्क में भी देखने को मिल जाते हैं। केवल यह करने के लिए 400 करोड़ रुपया पानी में बर्बाद कर दिया गया, और जानते हैं उसकी व्यवस्था में कितने कर्मचारी हैं? 600 कर्मचारी उसकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। वो तो आय का साधन है। आतंकवादियों की हिट लिस्ट में अक्षरधाम मंदिर हमेशा बना रहता है। लेकिन पूछा जाए उस अक्षरधाम मंदिर के निर्माण में 400 करोड़ रुपया तो हिंदू धर्म ने दिया, के अनुयायियों ने दिया। हिंदू धर्म के अनुयायियों को मिल क्या रहा है? वो तो व्यवसाय है। जिस ट्रस्ट ने बनाया उस ट्रस्ट में सारे पैसे जा रहे हैं, लेकिन किसी को क्या ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा को हमें पाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं। ऐसे ही सभी मंदिरों की कहानी है। जब महमूद गजनवी भारत आया था, हमला कर किया था सोमनाथ के मंदिर पर, तो सोमनाथ के मंदिर के थंब सोने के थे। 1000 पंडे केवल पाठ करने के लिए थे, शिवलिंग की पूजा करने के लिए थे, एक भी विद्वान नहीं था उसमें। एक भी विद्वान यदि सोमनाथ के मंदिर में होता तो तरीका बताता कि महमूद गजनवी का मुकाबला कैसे करना है। आप सोचिए,
जिस देश में सोने के थंभों के मंदिर हो और शिवलिंग हीरे मोतियों से जवाहरातों से जुड़ा हो, एक अत्याचारी बर्बर आक्रांता आता है, अपनी गदा मारकर उसको तोड़ देता है, सारे पंडों को प्रताड़ित करता है, लूट मार मचाता है और चला जाता है, और इतना बड़ा देश देखता रह जाता है। ये दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि हमें अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान नहीं हुई। उनकी नकल हम कर रहे हैं आज, हम कहलाते हैं ब्राह्मणी, और नकल किसकी कर रहे हैं? स्वामी नारायण मत वाले बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना रहे हैं, हम भी बनाए ताकि चढ़ावा चढ़े। क्या जागनी चढ़ावे का नाम है? यदि श्री जी चाहते तो जिस तरह से पन्ना जी ने महाराजा छत्रसाल जी को आशीर्वाद दिए कि तुम जहां तक घोड़ा दौड़ाओगे वहां तक की धरती हीरा उगलने लगेगी, तो मंदसौर में भी कुछ कर देते चमत्कार, 8-10 हीरे निकल जाते, उसी से सारा भोजन मिल जाता, कई महीने भोजन की भिक्षा मांग कर भोजन करने की क्या हो सकता थी। लेकिन नहीं, सुंदर साथ को तपाना था, घर घर भिक्षा मंगवानी थी, धूप शीत वर्षा अपमान सबको सहा कर परिपक्व बनाना था। तब ये सुंदर साथ पन्ना जी आते हैं, यहीं बैठे बैठे हर सुंदर साथ ने परम धाम को देखा, युगल स्वरूप को देखा, सुर असुर सबों को ए पति सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साई जिन्हों जैसा चिन्हया, जिन्होंने जिस रूप में पहचाना प्राणेश्वर अक्षरातीत ने उसको उस रूप में दर्शन दिया। मुसलमान की इच्छा है मोहम्मद साहब का दर्शन हो, मोहम्मद साहब का दर्शन हो रहा है। हिंदू राधा कृष्ण को देखना चाहते हैं, राधा कृष्ण का भी दर्शन हो रहा है। युगल स्वरूप को देखना चाहते हैं, युगल स्वरूप का दर्शन हो रहा है। परम धाम के 25 पक्षों ने में सबने चितवनी के द्वारा भ्रमण किया। लेकिन आज वो परंपरा क्यों बंद हो गई? आप अधिकतर मंदिरों में जाइए, चितवनी का नामो निशान नहीं, चर्चनी का नामो निशान नहीं, वाणी के ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं। हाँ, वाणी के प्रचार के नाम पर केवल पाठों का आयोजन होता है, पाठ रखे जाते हैं 108, निछावर ली जाती है 500 से ज्यादा की, ये भी एक व्यापार बन गया। ब्रह्मवाणी का चिंतन हो, ब्रह्मवाणी के एक एक चौपाई पर ऊंचे स्तर के प्रवक्ता तैयार हो, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। यदि 300 वर्षों में एक महान लक्ष्य को लेकर शिक्षण संस्थाएं खड़ी की जाती जो धार्मिक शिक्षा फैलाती, तो आज निजानंद संप्रदाय सारे संसार का मार्गदर्शक बन सकता था, सारे संसार को राह दिखा सकता था कि संसार के लोगों लड़ो नहीं, तुम्हारे कतीब ग्रंथों में जो लिखा है, इस्लाम में मत की जो मान्यताएं हैं और माओवाद का जो सिद्धांत है, हम सब में सामंजस्य स्थापित कर देते हैं। आप सोचिए यदि विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा? रशिया और अमेरिका के पास इतने परमाणु बम हैं, यदि सारे छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को कम से कम 30 बार आग के ढेर में बदला जा सकता है। राज्य की कृपा के बिना कोई बच नहीं सकता। आप सोचिए, हम 300 वर्षों में विद्वान तैयार करते हैं, वाणी को सारे संसार में फैलाते हैं, तो ये नौबत तो देखने में नहीं आती, हम तो घंटे घड़ियाल बजाते ही रहेंगे, मंदिरों की चौकट से बाहर निकलने का कभी साहस भी नहीं किए। और जब कार्यक्रम होते हैं तो 5-6 दिन के कार्यक्रम में करोड़ों रुपया पानी की तरह उड़ा देते हैं, हम नोट उड़ाते हैं, उस नोट को शिक्षा में हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी दीवारें संगमरमर की होती हैं, शिक्षा के लिए हमारे पास 1 रुपये का बजट नहीं होता, ये दुर्भाग्य है। जिस समाज में परम धाम की चितवनी का मार्ग अवतरित हुआ हो, जो चितवनी की पद्धति निराकार से परे बृहत से परे परम धाम में ले जाती है, वो मार्ग तो ब्रह्मा विष्णु शिव के पास नहीं था, किसी योगी के पास नहीं था, हमारे समाज में आया। श्री जी ने सबको चितवनी कराई और आज कहा जाता है कि चितवनी करना वाणी में कहाँ लिखा है? तो वाणी की चौपाई क्यों कहती है कि अब चितवनी से कहा तो जो देत साहिती अगल? महामती जी क्यों कहते हैं जो जागो तो देखियो मेरी सुन, मेरी तो निशा भाई, भूतक ने तो साफ कहा है आप देखो औरों को दिखाओ। सुंदर साथ इन चौपाइयों को केवल पढ़ जाते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं लाते कि ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये आज भूतक के समापन का आखिरी क्षण है।
जहाँ तक मैं समझता हूँ YouTube से काफ़ी सुंदर साथ इसको सुन भी रहे होंगे। सब सुंदर साथ से मेरा ये विशेष निवेदन है, जो सुंदर साथ जहाँ भी है वाणी का प्रकाश फैलाए, सबको चितवने के मार्ग पर लगाए, यह न देखे कौन जीव सृष्टि है, कौन ईश्वरी सृष्टि है, कौन ब्रह्म सृष्टि है और कौन प्रवाही है। हम प्रवाहियों को घृणा की दृष्टि से न देखें, हम उनसे डरे भी नहीं। आप प्रेम से परम धाम के ज्ञान का प्रकाश उसके सामने सुनाइए। आपका कर्तव्य है, बादल का काम है बरसना और आगे बढ़ जाना, यह नहीं सोचना कि किस किस पौधे तक पानी पहुंचा है। जो पात्र होगा वो अवश्य ग्रहण कर लेगा, लेकिन हमें तो अपने कर्तव्य का उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए। हमारे समाज के अग्रगण्य व्यक्तियों को भी यह आत्ममंथन करना होगा कि आज के युग में आलिशान मंदिरों को बनाने से जागरण नहीं होगी, बड़ी बड़ी झांकियां निकालने से, शुभ यात्राएं निकालने से जागरण नहीं होगी। आप वाणी की शिक्षा फैलाइए, वाणी का प्रकाश फैलाइए, सबको चितवने की तरफ ले जाइए। आज के युग में घंटी घड़ियाल माला फेरने का कोई महत्व नहीं है, ये तो उस युग की देन है जब शिक्षा नहीं थी, चितवनी का मार्ग नहीं था। सबको आस्था से जोड़े रखने के लिए ये नियम बना दिए गए, लेकिन आज तो संसार भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। शायद कुछ लोगों को ये मालूम होगा, सबको नहीं मालूम होगा कि अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में भी प्रायः प्रत्येक कार्यालय में एक ध्यान कक्ष बना होता है, प्रत्येक बस्ती में कॉलोनी में एक पुस्तकालय बना होता है। हमारे देश में बड़े बड़े करोड़ों के मंदिर खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ चाहिए तो एक किताब नहीं मिलेगी। मैं एक बार सोमनाथ मंदिर गया था, देखा वहाँ कोई साहित्य नहीं था, कोई साहित्य की दुकान भी नहीं थी, कोई पुस्तकालय नहीं था। ध्यान कक्ष तो सपने की बात है, वहाँ तो शिवलिंग के ऊपर कोई दूध कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है। अरे सर्वशक्तिमान भगवान को तुम क्या खिलाते हो? जो सबको खिलाता है उसको खिलाकर तुम उसका अपमान करते हो। जगन्नाथपुरी में जाइए, आप तो पंखे के नीचे रहते हैं, जगन्नाथ भगवान बेचारे गर्मी में भी वैसे ही रहते हैं, वहाँ पंखा भी कर्मकांडियों ने नहीं लगने दिया है। जहाँ सेवा पूजा होती है जगन्नाथपुरी में, सबको पसीने से तर बतर वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि कर्मकांड का युग, उनको कौन सब बुद्धि दे। एक बार डोंगरे जी महाराज वहाँ भागवत कथा करना चाहते थे, सारे पंडित इकट्ठे हो गए कि नहीं हम भागवत नहीं करने देंगे, और डोंगरे जी महाराज को भागवत के बिना वहां से वापस आना पड़ा। और ये पंडे रात को जब तक मछली नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, उनको नींद नहीं आनी है। समाज किस दिशा में जा रहा है? जब आप किसी को ज्ञान का प्रकाश नहीं देंगे, ध्यान की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो समाज में ऐसी विकृतियां चालू हो जाएंगी। हमारा समाज भी इससे अछूता नहीं है, हमारे समाज में भी ज्ञान का प्रकाश न होने से जो समाज ब्रह्मणियों का समाज कहलाता था, आज उस समाज में भी अशिक्षा शिक्षा दिखाई देती है। हमारा बौद्धिक स्तर बहुत नीचे है, हम संसार वालों से सीधे टक्कर लेने की मुद्रा में नहीं है। आप सोचिए आर्य समाज में 5000 आचार्य हैं, हमारे पास उच्च स्तर के 5 भी आचार्य नहीं है, कितना है हम पीछे। हमारी संख्या 40 लाख है, आर्य समाज के अनुयायियों की संख्या लगभग 1 करोड़ होगी, कम से कम 100 भी तो आचार्य होते, 50 भी होते तो कोई कष्ट नहीं था। लेकिन जब चारों तरफ घंटी घड़ियाली होगा, करोड़ों करोड़ों के मंदिर बन जाएंगे, शिक्षा का कुछ प्रचार ही नहीं होगा, तो क्या होगा? यही होना है। जो समाज शिक्षा से रहित हो जाता है, पुरुषार्थ से रहित हो जाता है, ध्यान से रहित हो जाता है, अपने विनाश की कहानी स्वयं अपने हाथों से लिख लेता है, उसको साक्षात परमात्मा भी नहीं बचा सकते, क्योंकि परमात्मा भी तो उसी की सहायता करेंगे, उसी पर कृपा करेंगे जो पुरुषार्थी होगा। जो परमात्मा का ध्यान न करे, केवल कर्मकांडी बनकर एक सीमित दायरा बना ले, जल बहता रहता है अच्छा रहता है। धन की 3 गति होती है, या तो उसको उपभोग कीजिए या दान कीजिए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। ज्ञान का भी वही हाल है, ज्ञान को जितना फैलाएंगे उतना ही बढ़ेगा, जितना छिपाएंगे उतना ही ये कम होता जाएगा, और चितवनी की प्रक्रिया जितनी बढ़ती जाएगी समाज में उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा। चितवनी हटेगी तो क्या होगा?
सब में मनोमालिन्य पैदा होगा, सभी ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में चलते रहेंगे, घृणा की आग में कोई किसी को देखना नहीं चाहेगा, और हम यही कर रहे हैं। दूसरे पंथों में इतने झगड़े नहीं होते जितना कि हमारे यहाँ होते हैं। हाँ, हम लाठी डंडे से नहीं एक दूसरे को मारते, दूसरे पंथों में लाठियाँ चल जाती हैं, तलवारें चल जाती हैं, हमारे में यह नहीं होता, लेकिन ईर्ष्या की ज्वालामुखी हमारे अंदर ज़्यादा रहती है। हम मिलजुल कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि हम सारे संसार को बताएं कि देखिए प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी ये है और सारे संसार के लिए शांति का मार्ग ये है। हम कर सकते थे, राज्य ने हमसे अपेक्षा की थी छठे दिन की लीला में, इसके लिए आने वाली पीढ़ी को तत्पर होना होगा, सजगता से तैयार होना होगा, और जिनके हाथों में वाणी के प्रचार का ध्वज है उनको आत्ममंथन करना होगा कि समय के प्रवाह के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करें। वो पुराना युग गया कि एक मंदिर बना दिया, एक मंथ बना दिया, एक पुजारी रख दिया, मंथ का एक सेवक हो गया और जागने चल पड़ी। ये तो बैलगाड़ी का युग है, और इस नीति से तो हम हजार साल में भी, हजार के 10,000 वर्षों में भी वाणी को सारे देश में नहीं फैला पाएंगे। जब तक ब्रह्मवाणी का प्रकाश फैलाने के लिए उच्च स्तर के विद्वान तैयार नहीं किए जाएंगे, उच्च स्तर का साहित्य तैयार नहीं किया जाएगा, अनेक भाषाओं में बोलने वाले व्याख्याता नहीं होंगे, तब तक वाणी का प्रकाश आज के युग में नहीं फैलने वाला होगा। इसलिए आप मंदिरों में राज्य को न खोजिए, ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा मोमिन कलूप, ब्रह्मात्मा का दिल ही धनी का धाम है। आपकी आंखें ये नहीं पहचान सकते कि कौन ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि हो सकता है एक झोपड़ी में हो, समाज के सबसे प्रत्यक्त वर्ग में भी हो। इसलिए सारी मानव जाति को परम धाम के ज्ञान का रस पिलाइए। आप सोचिए, अभी हम हंसते खेलते अपने को देखते हैं, हम सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, तुरंत सूचना आती है इस सुंदर साथ का धाम गमन हो गया, हृदय टूट जाता है। क्या है, हम किसके लिए लड़ झगड़ रहे हैं? जहां श्वास निकली, ये कोठी, ये बंगले, ये धन संपदा यहीं की तो यही रह जानी है, लेकिन हम आपस में लड़ते हैं, मंदिरों के लिए लड़ते हैं। यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए कि सारे सुंदर साथ अपने हैं और सारी दुनिया में ज्ञान फैलाना है, तो हम इन छोटे विचारों से ऊपर उठ जाएं। लेकिन हमारे समाज में तो ये है कि ये इस गुरुजी का सुंदर साथ है, वो उस गुरुजी के मंदिर पर आश्रम पर क्यों गया था, उनसे क्यों बात किया था। आप सोचिए, आपको तो ये शोभा दी गई है कि ज्ञान को फैलाओ, आप आपस में सिर फुटेबल करते रहेंगे तो दूसरों को प्रेम का संदेश क्या देंगे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। जब सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जलेगी, प्रेम की निर्मल गंगा का प्रवाह होगा, तो समझिए हर दिल अपने आप मंदिर बन जाएगा। उस समय आपको कई कई करोड़ के मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ज्ञान के मंदिर बनाइए, ध्यान कक्ष बनाइए, उस ज्ञान की ज्योति को जलाने वाले उच्च स्तर के प्रवक्ता तैयार कीजिए। इससे राज्य आप पर मेहरबान होंगे, मेहरबान तो है ही, आपको राज्य की कृपा का अनुभव तब होगा। और आप अपने धर्म हृदय में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देखिए, कर्मकांडों की परिधि से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपको लगेगा इतने बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। छठे दिन की लीला में हर पल कीमती है, हम हर पल का उपयोग करें। हमारी जितनी भी सांसें हैं उस सांस को चितवनी में लगाएं, वाणी के अध्ययन में लगाएं, या दूसरों तक वाणी का प्रकाश फैलाने में लगाएं, या सेवा में लगाएं। इसमें हमारे जीवन की सार्थकता है। निद्रा में, भोजन में, आलस्य में, प्रमाद में, झगड़े में हम अपनी ऊर्जा लगा देंगे तो हमें खुद पछताना पड़ेगा, संसार की जो दुर्दशा होगी वो तो हो गई। मैं आशा कर रहा हूँ कि देश विदेश का जो भी सुंदर साथ मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, वो वाणी की ज्योति को जलाने में अपना सहयोग दे। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वक्तव्य दिया था, उसमें भी ये बात कही थी। मैंने कहा था कि जो भी सुंदर साथ सक्षम है, जिनके दो से अधिक संतानें हैं, एक संतान को जो संस्कारित हो, प्रतिभाशाली हो, राज्य के मिशन के लिए समर्पित होने वाली हो,
जैन पीठ भेजे, यदि 50-100 भी समर्पित ऐसे मिल जाते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में समाज का रूप कुछ दूसरा दिखाई देगा। इसलिए जो जिस रूप में है उस रूप में अपने प्राणेश्वर को, अपने आराध्य अक्षरातीत को रिझाने के लिए अपना त्याग करें। जिनके पास जान है वो जान से सेवा करें, जिनके पास धन है वो धन से सेवा करें, जिनके पास शारीरिक शक्ति है उस शारीरिक सेवा से अपने धन धन को रिझाएं। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। मैं ऐसा करूँगा कि आपने अभी अष्टभैर की लीला का रस स्वादन लिया, देश विदेश में जहाँ भी सुंदर साथ होंगे प्रतिदिन कुछ समय वाणी के चिंतन में अवश्य लगाएंगे, और रात को सोने के समय या सवेरे उठने के बाद पहला कार्य करें राज्य को अपने धाम हृदय में बसाने का। ये जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और यदि आपने यह कर लिया तो आप इतने धन धन होंगे और उतने धन धन। प्रणाम जी।